हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ टॉप तक में। कैसे हो भाई सभी के सभी, सारे के सारे स्टूडेंट्स। एक बार सेशन को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिएगा, फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट सेशन को एक बार जोरदार तरीके से लाइक और शेयर कर दो। जल्दी से सारे के सारे स्टूडेंट सेशन को लाइक और शेयर कर दे फटाफट से। अभी बहुत सारे लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है। फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर करें। राधे 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 राधे। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हो सभी के सभी। पहले एक बार सेशन को जोरदार तरीके से लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा स्टूडेंट, फिर हम सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि मेरा नाम प्रिया चौधरी है और मैं आपकी जनरल साइंस की फैकल्टी हूँ। तो आज हमारी रहने वाली है 6 घंटे की मैराथन। उस 6 घंटे की मैराथन में हम लोग बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, बहुत कुछ नया करने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आप लोगों को मेरे साथ 6 घंटे तक जुड़े रहना पड़ेगा, ठीक है। 6 घंटे तक जुड़े रहना पड़ेगा। सारे के सारे स्टूडेंट सेशन को लाइक और शेयर करें फटाफट से। आइए सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सेशन की शुरुआत करने के लिए आपको सेशन को लाइक करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार भाई, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या सभी को आवाज ढंग से आ रही है। पहले एक बार 1000 से ऊपर लाइक चले जाए, ठीक है, और वॉचिंग चली जाए, फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आइए एक बार बायोलॉजी क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक बायोलॉजी की मैराथन रखी, एक दिन फिजिक्स की रखेंगे, एक दिन केमिस्ट्री की मैराथन रखेंगे, ठीक है। ऐसे करके एक एक मैराथन रखेंगे। सबसे पहली बात अगर आप लोगों से पूछ ले कि भाई बायोलॉजी क्या है, ये सब क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में एक बार हल्की छोटी सी बात करते हैं। हालांकि अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर इस बारे में मैं अगर किसी से बच्चे से भी बात करती हूँ तो इस बारे में सबको पता है, यानी ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको जीव विज्ञान के बारे में ना पता। बहुत बेसिक सी बात है जो आप लोगों को पता है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक बार सेशन को लाइक और शेयर करना है। देखिए, बायोलॉजी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। बायो का मतलब क्या होता है, बायो क्या था, बायो का मतलब, बायो वर्ड का मतलब था बायोस, बायोस का मतलब था लाइफ, ठीक है, जीवन, ठीक है। और लाइफ लॉजी का मतलब क्या होता है, लॉजी का मतलब क्या होता है बेटा, लॉजी का मतलब होता है आपकी स्टडी, किसी चीज का अध्ययन, किसी चीज का अध्ययन, किसी चीज का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी। किस चीज का, लाइफ का अध्ययन, बायोलॉजी, ठीक है। अब ये जो बायोलॉजी था ना, ये 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया कि एक भैया एक हिस्सा तू ले ले और एक हिस्सा तू ले ले। तो बायोलॉजी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया कि एक हिस्सा तू ले ले बेटा और एक हिस्सा तू ले ले, ठीक है। तो एक हिस्सा हो गया बॉटनी, ठीक है, वनस्पति विज्ञान, और एक हिस्सा हो गया जूलॉजी, ठीक है, जीव विज्ञान। तो एक हिस्सा क्या हो गया बेटा, बॉटनी, और एक हिस्सा क्या हो गया, जूलॉजी। इस तरह से 2 हिस्से जो है वो डिवाइड हो गए, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं यहां पर बात करूं तो फिर क्या हुआ, फिर क्या बैठा, ठीक है, फिर बॉटनी के ऊपर जिस इंसान ने रिसर्च की, खोज की, ठीक है, जिन चीजों के बारे में, बॉटनी में क्या होता है, आप पौधों के बारे में रिसर्च करते हो, ठीक है। तो फादर जो इसके कहलाए गए वो कहलाए गए थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस जो थे वो फादर ऑफ बॉटनी कहलाए गए। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, NTPC के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है भाई, थियोफ्रास्टस है।
और इनकी बुक के बारे में भी एनटीपीसी की एग्जाम में पूछा गया है। अब एग्जाम क्या है कि एक दिन तो होता नहीं है, तो इनकी बुक जो इनकी किताब थी उसका नाम था बुक ऑफ प्लांटेरिया, तो यहाँ पे बुक ऑफ प्लांटेरिया गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसका नाम है द हिस्टोरिया ऑफ ठीक है प्लांटेरियम, द हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरियम, यहाँ द बुक ऑफ प्लांटेरियम गलत लिखा है, द हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरियम इसका आंसर है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद जूलॉजी के ऊपर अध्ययन किसने किया, भाई हमारी स्टडी किस में होगी, हमारी स्टडी जूलॉजी में होगी, एनिमल्स की स्टडी, इंसान जानवर से कम थोड़ी ना है, ठीक है, तो एनिमल्स की स्टडी किस में होगी बेटा, एनिमल्स की स्टडी भी इसी के अंदर होगी। तो फादर इसके कौन कहलाए गए, एरिस्टोटल, अरस्तु इसके फादर कहलाए गए, ठीक है, अरस्तु इसके फादर कहलाए गए, ठीक है। दूसरी बात ये बोली गई कि भाई इसकी बुक कौन सी है, ठीक है, इसकी बुक है द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, द हिस्टोरी ऑफ एनिमेलिया इनकी किताब है, ठीक है। अब इनकी किताब में इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, तो मैं आपको बता देती हूँ इन्हें फादर क्यों बोला गया, क्योंकि इन्होंने किताब लिखी थी जिसमें इन्होंने 500 प्लस स्पीशीज के बारे में बताया था, इन्होंने भी एक किताब लिखी थी, इन्होंने भी 500 प्लस स्पीशीज के बारे में बताया, तो दोनों ने 500 प्लस स्पीशीज के बारे में बताया, इसीलिए ये बॉटनी के फादर कहलाए गए और ये जूलॉजी के फादर कहलाए गए। ये बहुत बेसिक बात है जो हर एक बच्चे को पता होती है, ठीक है। अब मैंने तुमसे ज्यादा बात नहीं की, मैंने आते ही तुम्हें बायोलॉजी के बारे में पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि तुम्हें थोड़ा सा मैटर देने के बाद में मैं तुमसे एक बात कहूंगी बेशर्मो, 1500 लाइव लड़ने के लिए मैं टॉप तक पे आई थी क्या, ये बताओ, कम से कम 5 से लेके 6 नहीं, कम से कम 10,000 से ज्यादा लाइव वॉचिंग जानी चाहिए और तुम क्या कर रहे हो। हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो बेशर्मो तुमने तो इज्जत ही खराब कर दी बिल्कुल, ठीक है, क्लियर है, बोलो आगे ना, राधे राधे भाई, राधे राधे। योगा मिरेकल बोल रहे हैं पथरी का दर्द खत्म हो गया क्या, पथरी का दर्द बेटा कभी खत्म नहीं होता, पथरी क्या कहती है, अच्छा आजकल तुम कुछ बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, तो 10-20 दिन में एक बार क्या होगा, भयंकर तरीके से उठेगा, उसमें फिर आवाज भी नहीं निकलेगी, तो मैं अंतर्यामी थोड़ी कहूँ कि मेरे को पता हो कब निकलेगा पथरी का दर्द, ठीक है। अमित शर्मा बोल रहे हैं पीडीएफ, अरे मेरे बालक ये बता दे यार, एक पेज हुआ है, हैं अभी क्लास भी खत्म नहीं हुई, तेरे को पहले ही पीडीएफ चाहिए, ठीक है। मेरी साइंस की बुक जो है वो जल्दी आने वाली है, मैंने बोला है कि मैं 3 सितंबर को इसकी अनाउंसमेंट करने वाली हूं कि मेरी बुक जो है वो आपको किस डेट में मिलेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात ये है कि फादर ऑफ बॉटनी हो गया, फादर ऑफ जूलॉजी हो गया, उसके बाद अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि भाई ये जो जीव विज्ञान है इसके फादर कौन है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो है एरिस्टोटल, अरस्तु। अच्छा अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी क्यों बोला गया, क्या कारण था, ठीक है, इसके अलग अलग कारण बताए जाते हैं। सीधी सी बात है, देखो रिसर्च जो है वो कहीं ना कहीं जूलॉजी पे करना ज्यादा टफ है और उन्होंने ज्यादा स्पीशीज के ऊपर रिसर्च की थी, इसलिए कहीं ना कहीं फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल अरस्तु को बोला गया, सबके अलग अलग कारण है बताने हैं क्यों बोला गया, ठीक है। तो फादर ऑफ क्या कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल अरस्तु को बोला गया, किसको बोला गया, अरस्तु को बोला गया। अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहला चैप्टर है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर हम उसके बारे में पढ़ने के बाद फीमेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे के चैप्टर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ब्रेन वगैरह फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीजें हमारे पास पढ़ने के लिए, हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले एक बार सेशन को जोरदार तरीके से लाइक और शेयर किया जाए, आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। मैंने टाइम गलत रख लिया क्या, गुड मॉर्निंग, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने टाइम बहुत गलत रख लिया यार, तुमने तो कतई बेइज्जती कर दिया यार, बिल्कुल हद हो गई, 1300 वॉचिंग भी कोई वॉचिंग होती है, डूब के मर जाना चाहिए 1300 वॉचिंग में, तो है एक बच्चे ने बोला क्लियर नहीं दिख रहा, बेटा क्लियर तो दिख रहा है, ये ना बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको, कौन बोल रहा है क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ हाँ पांडे जी, मैं पढ़ाऊंगी टॉप तक पर और मैं बताऊंगी भी टॉप तक पर भी पढ़ाऊंगी, जहाँ पे मैं हूँ ठीक है, वहाँ पे भी पढ़ाऊंगी और यहाँ पे भी पढ़ाऊंगी, दोनों जगह पढ़ाऊंगी, ठीक है। और बताओ, गुड मॉर्निंग, आइए
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं, ठीक है, नर प्रजनन तंत्र के बारे में बात करते हैं। आज मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगी। यहाँ पे मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ, क्या क्या बीमारियां होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं बच्चा ना होने के, क्या क्या कारण होते हैं स्पर्म काउंट कम होने के, ये बहुत सारे कारण मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ज्यादातर यूट्रस कैंसर क्यों होता है, या मेंसुलेशन साइकिल क्यों होती है, या मेंसुलेशन साइकिल डिस्टर्ब होने का एक कारण क्या होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी जो आपके मन में एक सवाल उठता है उसको खत्म करने के लिए एक चैप्टर है ये, ठीक है। और सोशली अगर देखा जाए तो सोशली एक ऐसा चैप्टर, एक जागरूकता है जो सबके अंदर होनी चाहिए। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। एक्चुअल सेशन तो हमारा अब शुरू हुआ है, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ी, प्रजनन तंत्र की हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। प्रजनन तंत्र की हम लोगों को जरूरत इसलिए पड़ी बेटा कि हर एक इंसान डेवलपमेंट चाहता है, हर एक इंसान अपने जीवन में वृद्धि चाहता है। तो इंसान का डेवलपमेंट क्या है, आप बोलोगे मैडम सरकारी नौकरी, ठीक है। अगर किसी इंसान के पास सरकारी नौकरी है तो समझो उसके पास में क्या है, उसके पास में डेवलपमेंट है। आप ऐसा बोलोगे, नहीं बेटा गलत बोल रहे हो, ठीक है। डेवलपमेंट उस समय का डेवलपमेंट था, डेवलपमेंट का मतलब होता है अपनी अगली पीढ़ी बढ़ाना, ठीक है। साइंस में डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, आप फर्दर आगे रिसर्च कर रहे हो, फर्दर कुछ डेवलप कर रहे हो, तो अपनी अगली पीढ़ी को बढ़ाना ही डेवलपमेंट था। आजकल का तो डेवलपमेंट कुछ और ही हो गया है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, बचपन का प्यार भी एक डेवलपमेंट है ना। तो प्रजनन तंत्र की बात करूं मैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है, हम अपने ऑफस्प्रिंग जो है, ठीक है, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, है ना, ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, इसको युग्मक, युग्मज या भ्रूण भी कह देते हैं। कहती बात समझ में आई, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब आगे, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, ठीक है। किस में डिवाइडेड होता है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। दो हिस्सों में डिवाइडेड क्यों होता है, क्या कारण है इसका दो हिस्सों में डिवाइडेड होने का, मतलब क्यों ये दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, तो इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, ये दो हिस्सों में क्यों डिवाइडेड होता है, कोई बताएगा दो हिस्सों में क्यों डिवाइडेड होता है ये। देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चों, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग प्रजनन तंत्र बोलते हैं, ठीक है। ये एक प्रक्रिया है, ये क्या है बच्चों, ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है जहां पे पेरेंट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है, पेरेंट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। माँ बाप, या फिर मैं कह दूं कपल, ठीक है, माँ बाप अपने युग्मज पैदा करते हैं। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, वो दो टाइप से काम करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है बेटा वो दो टाइप से काम, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनो, पेरेंट प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, माँ बाप अपने युग्मक पैदा करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ना, वो दो तरीके से काम करता है आपका। एक तो करता है एसेक्सुअल, ठीक है, अलैंगिक, और एक होता है लैंगिक, ठीक है। तो ये दो तरीके से काम करता है। अब पौधों के अंदर जो होता है वो होता है आपका एसेक्सुअल, और ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, इन सब के अंदर जो होता है वो सेक्सुअल होता है, मानव के अंदर होता है। हालांकि आपने पौधों के अंदर भी सुना होगा सेक्सुअल, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, एनिमल्स, ठीक है, जानवर एक्सेट्रा, बर्ड्स वगैरह जितने भी होते हैं, तो इनके अंदर कैसा रिप्रोडक्शन होता है, कैसा प्रजनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। एसेक्सुअल होता है, अलैंगिक होता है, और एक लैंगिक होता है।
अब इसमें हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जब बात करते हैं तो यहाँ पे बात ये आ जाती है कि जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो नर का प्रजनन तंत्र है, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाता है बेटा? दो हिस्सों में ये डिवाइड हो जाता है। और दो हिस्सों में ये कैसे डिवाइड हो जाता है, अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो ध्यान से, अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, एक होता है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, एक होता है प्राथमिक लैंगिक अंग, एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, एक होता है द्वितीय लैंगिक अंग। देखो इसको साइंटिफिकली और बहुत नॉर्मल समझने का मतलब बहुत आसान होता है, ठीक है। पहली बात तो यह है कि सेकेंडरी शब्द का मतलब ये कहीं ना कहीं स्टैंड बाय पोजिशन ले रहा है, यानी कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को ही हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं एक तरह से। क्या बोलते हैं बच्चों? आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, आपका प्रजनन तंत्र। क्या बोलते हैं बच्चों? आपका प्रजनन तंत्र है आपका, एक तरह से क्या है बेटा? आपका प्रजनन तंत्र है, ठीक है। दूसरी बात है सेकेंडरी क्या है, ठीक है, सेकेंडरी है हेल्प इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, हेल्प इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसमें हेल्प करता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। ये क्या करता है बच्चों? ये प्रजनन तंत्र में मदद करता है। प्रजनन तंत्र में क्या करता है? मदद करता है। अब आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, अब मैं बताती हूँ क्या होता है नॉर्मल लैंग्वेज में। जब बच्चा एक पैदा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसको पता होता है कि मैं लड़का हूँ। यही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, यानी ये एक तरह से पहचान है किसी बच्चे की कि भाई मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, ठीक है। एक तो हो गया कि भाई देख के पता करना, एक हो गया कि जब वो बड़ा होता है तो उसके शरीर में बदलाव आते हैं, और वो उसके शरीर में जो बदलाव आते हैं, जैसे दाढ़ी आना, मूंछ आना, ये कौन करवाता है? आपका सेकेंडरी, भाई हाँ अब मैं एक्चुअल में समाज के लिए मैं लड़का हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये आपका हो गया सेकेंडरी ऑर्गन। ये हो गया कि आपको पता है मैं लड़का हूं या लड़की हूं, लेकिन दाढ़ी आएगी, मूंछ आएगी, आवाज में बदलाव आएगा, बॉडी स्ट्रक्चर बदलेगा, तो ये अपना सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन करता है, सोसाइटी के लिए मान लो या कुछ भी मान लो। कहती बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर है, आ जाओ। तो ये कब पता लगेगा? ये तुम्हें लगेगा 12 साल की एज में पता लगेगा, ठीक है। 12 साल की एज में पता लगता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में कि हाँ भाई मैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हूं, ये प्रजनन में मदद करता है, प्रजनन के अंदर सहायक होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जैसे इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका ब्लैडर है, ठीक है, ऊपर से क्या कहते हैं, यहाँ पे स्कॉटम है, टेस्टिस है, पेनिस है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पढ़ाने वाली, बहुत बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन जो आता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और आपका ये आपका वेस्ट डिफेंस, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे आज बात करने वाले हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पे एक चीज आगे चल के आने वाली है, वो खैर अभी मैं बात नहीं करूंगी, ठीक है, आगे चल के मैं बात करती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी लड़के के अंदर कितने टेस्टिस होते हैं, किसी भी लड़के के अंदर कितने टेस्टिस होते हैं। अगर कोई पूछने लग जाए टेस्टिस कितने होते हैं, एक होते हैं या दो होते हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है, ठीक है। मुझे पता था राज बताना, ये जैसे एक चैप्टर आता है ना तुम्हारा ना, नाइट फॉल, स्वप्न दोष, यही क्वेश्चन अटक जाता है। हराम जादो ऊपर भी बड़ा करो थोड़ा सा, ठीक है, हराम करो। कहते मैडम गलत बोल दिया। अरे यार तुम टॉपिक शुरू नहीं हुआ, तुम वो बात उठाने लगे। मुझे पता है ना तुम्हारे मुद्दे की बात वही है, लेकिन यार रुक जाओ, कुछ चीजें सोसाइटी के लिए की जा रही है उसे ढंग से सुनो। तो मेरे को बहुत होता है, अबे तेरे को होता है तो यार तू सुन आराम से एक घंटा बेटा। कुछ लोगों के लिए ना ये चैप्टर कुछ अलग ही चीज है, ठीक है, इसलिए मेरे मुंह से एक शब्द निकला, क्योंकि वो कमेंट आने शुरू हो गए थे। यार स्टूडेंट हो, ठीक है, टेस्टिस की अगर मैं बात करूं बेटा, टेस्टिस कितनी होती है? कमेंट बंद हो गए भाई मेरे लैपटॉप के। टेस्टिस कितनी होती है बेटा? राधे राधे भाई, राधे राधे। हाँ स्पर्म कहाँ स्टोर होता है, जेन्युइन सी बात है पूछना, ठीक है। देखो टेस्टिस की मैं बात करूं बेटा, दो टेस्टिस होते हैं, टू टेस्टिस आर फाउंड, लेकिन आपको बता दूं कुछ लोगों में एक पाई जाती है, तीन किसी के अंदर नहीं पाई जाती, ठीक है, कुछ लोगों में एक भी पाई जाती है,
ठीक है, तो एक पाई जाती है तो उस टाइम क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। टेस्टिस बेटा आपकी दो होती है, जो ये किसी पाउच के अंदर होती है, उस वो अंडकोश की थैली कहलाया जाता है, पाउच लाइक होता है एक, ठीक है। इस पाउच के अंदर आपके टेस्टिस पाए जाते हैं, ठीक है। ये टेस्टिस जो है बेटा, ये इस पाउच के अंदर पाए जाते हैं। दूसरी बात है, इस पाउच को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कॉटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कॉटम बोलते हैं इस पाउच को, ठीक है। इस पाउच को हम लोग बोलते हैं वर्षाणकोश। क्या बोलते हैं? वर्षाणकोश, ठीक है, क्लियर है। ये क्या होता है? थैलीनुमा संरचना होती है, ठीक है। थैलीनुमा क्या होती है? संरचना होती है। ये एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसके अंदर दो टेस्टिस मौजूद होते हैं। अब ये पाए कहां जाते हैं? अगर आप लोगों से पूछे वेयर इट इज फाउंड, तो बच्चों ये आपके क्या होते हैं, शरीर के नीचे होते हैं, ठीक है, दोनों टांगों के बीच में होते हैं, ठीक है, टांगों के बीच में, ठीक है, बिटवीन लेग्स। किसके बीच में होते हैं? बिटवीन लेग्स, ठीक है, टांगों के बीच में होते हैं, बिटवीन लेग्स। दूसरी बात है, टेस्टिस जो है वो ऐसे अलग क्यों नहीं पाए जाते, किसी पाउच के अंदर क्यों पाए जाते हैं? बच्चों इसका सबसे बड़ा कारण है कि टेम्परेचर से बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, टेम्परेचर से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तीसरी बात मैं बताना चाहती हूं कि ये टेस्टिस एक्चुअल में बाहर ही क्यों होते हैं, अंदर क्यों नहीं होते, पेट के, तो पेट के अंदर ही थे तो बाद में बाहर आए। जो कोई छोटा सा बच्चा होता है, अगर मैं बहुत एक एग्जांपल ले लूं यहाँ पे, एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, नोट करवा दूं यहाँ पे, बच्चों जो एक एम्ब्रॉय होता है, एम्ब्रॉय का मतलब समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो ना एम्ब्रॉय का मतलब? भ्रूण का मतलब समझ रहे हो? नहीं समझ रहे भ्रूण का मतलब? बच्चों क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो। सपोज करो माँ के पेट में एक बच्चा है, उसको हमने एक एम्ब्रॉय बोल दिया, भ्रूण बोल दिया, ठीक है। तो जब तक वो 7 महीने का होता है, तो 7 महीने तक ये टेस्टिस उसके पेट के अंदर होती है, ठीक है, until 7 months, ठीक है, 7 महीने तक, 7 महीने तक। तो 7 महीने तक क्या है बेटा, ये पेट के अंदर रहती है, और 7 महीने बाद क्या होता है, 7 महीने बाद ये बाहर आ जाती है। तो उस 7 महीने तक क्या रहती है, पेट के अंदर, पेट के अंदर, और उसके बाद बाहर, उसके बाद क्या जाती है बेटा, बाहर आ जाती है, ठीक है। इसीलिए कई बार लड़कों को जब उस जगह लात मार दिया जाता है, ठीक है, लड़ाई हो जाती है, लड़के ने लात मार दिया, ऐसे बहुत फिल्मों में दिखाया जाता है, तो क्या होता है, पेट पकड़ के बैठ जाते हैं। वो इसी का कारण है कि वो जहां पे होते हो वहीं पे एकदम से ऊपर चली जाती है, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, तो इस तरह से वो ऊपर पेट की तरफ चली जाती है, ताकि उस पर चोट ना लगे, और आपको एकदम से बहुत तेज पेट में दर्द होता है इसी वजह से। क्लियर है? क्लियर है? पक्का? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, और आगे की हम लोग यहां पे बात करते हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऐसा क्यों होता है। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बेटा टेस्टिस का वेट क्या होता है, टेस्टिस जो होती है, टेस्टिस का जो वेट होता है वो कितना होता है, टेस्टिस का वेट, टेस्टिस का भार कितना होता है, अगर आप लोगों से पूछा जाए, टेस्टिस की लंबाई पूछी जाए, ठीक है, और दूसरी बात आप लोगों से पूछा जाए इसकी चौड़ाई कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है टेस्टिस की, तो आप लोग क्या बोलोगे, जल्दी से बताइए आप लोग क्या बोलोगे, लंबाई चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो क्या बोलोगे? तो सीधी सी बात है बेटा, वेट जो होता है वो 14 ग्राम होता है, ठीक है, 14 ग्राम एक का होता है, ठीक है, ठीक है, एक का, ओनली वन, यानी दूसरे का भी 14 ग्राम ही है। लंबाई की अगर मैं बात करूं तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई होगी 4 से 5 सेंटीमीटर, लंबाई होगी 4 से 5 सेंटीमीटर, आपसे चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई होती है 2 से लेके 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये होता है एक्चुअल में। अगर आपसे पूछा जाए भाई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसके हार्मोन से काफी क्वेश्चन बनते हैं, किससे, इसके हार्मोन से काफी क्वेश्चन बनते हैं। हार्मोन कब निकलेगा, जब 13 से लेके 14 साल की उम्र में आप चले जाओगे तो आपके अंदर ये हार्मोन निकलना शुरू हो जाएगा। कहती बात समझ में आई, क्लियर है? एक टेस्टिस का प्राइस 12 करोड़, क्या बात है, तुम्हारा ही अलग से है टेस्टिस, है दुनिया तो बेवकूफ घूम रही है यहाँ पे,
आ जाओ। अब बेटा आपसे बात पूछी जाए कि अगर किसी इंसान के अंदर एक ही टेस्टिस हो, देखो बेटा आजकल ध्यान से सुनना, सारे के सारे स्टूडेंट सुनना, और अगर यहाँ से कोई क्या कहते हैं क्लिप भी कट करना चाहता है तो उसको भी इजाजत है, क्योंकि ये सोसाइटी वाली एक चीज़ है। आजकल छोटे बच्चों में एक प्रॉब्लम देखी जा रही है, ठीक है, कई बार बॉल लगने से, जैसे सपोज करो बच्चा खेल रहा है उसको गलती से टेस्टिस पे बॉल लग गई, तो क्या होता है कई बार टेस्टिस दोनों ऊपर चले जाते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद दोनों नीचे नहीं आती, एक पेट में रह जाती है और एक नीचे आ जाती है, नंबर वन प्रॉब्लम, कई बार चोट भी लग जाती है। नंबर तीसरी प्रॉब्लम यह है कि बच्चा पैदा तो हो गया लेकिन उसकी एक ही टेस्टिस बाहर है और एक टेस्टिस अंदर है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, फिर इनका होता है ऑपरेशन, ठीक है। अब अगर किसी इंसान के अंदर एक ही टेस्टिस है, एक तो हो गया, देखो मैंने तो आपको कारण बता दिया कि एक टेस्टिस होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि उसको बॉल लगी है उस जगह, क्रिकेट में इसीलिए एल गार्ड दिया जाता है, ठीक है, कहती बात समझ में आई, तो चोट लग गई, अब क्या हुआ, एक टेस्टिस क्या चली गई, ऊपर चली गई, दोनों टेस्टिस ऊपर चली गई लेकिन नीचे एक ही आ गई, तो एक टेस्टिस पेट के अंदर ही रह गई, तो ऑपरेशन करवाना पड़ता है, ठीक है, नंबर वन बात। नंबर दो बात कि जब बच्चा पैदा हुआ 7 महीने बाद वो टेस्टिस नीचे आते हैं, लेकिन 7 महीने बाद एक ही नीचे आई, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर से 101% कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। अब चोट लगने की वजह से एक खत्म भी हो सकती है तो उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन अभी एक अगर पेट में है तो उसको नीचे लाया जा सकता है। अगर एक टेस्टिस रहेगी तो क्या होगा बेटा, एक टेस्टिस से स्पर्म काउंट कम हो जाता है, शुक्राणु की संख्या कम हो जाती है, भाई टेस्टिस से तो स्पर्म बनाएंगे ना, अब कैसे बनाते हैं वो तो हम आगे बात करेंगे, तो शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब शुक्राणुओं की संख्या कम होने का मैम इससे क्या रिलेशन है, अगर शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है तो यहाँ पे स्टेरिलिटी जो है, स्टेरिलिटी को हम लोग बोलते हैं नपुंसकता, नपुंसकता मतलब वो नहीं है जो आप सोचते हो, नपुंसकता का मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि भाई बाप बनने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि स्पर्म काउंट अच्छा नहीं है, ठीक है, इसलिए बाप बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मैम क्या एक टेस्टिस जिनकी कम होती है उन्हीं का स्पर्म काउंट कम होता है, नहीं, स्पर्म काउंट तो किसी भी बुरी आदत की वजह से भी कम हो सकता है, शराब या डिप्रेशन से भी होता है, ठीक है, या फिर ज्यादा लैपटॉप पर पूरे दिन बैठे रहोगे और फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं करोगे, अगर आपकी लाइफ में फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, शराब पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, पूरे दिन लैपटॉप पर बैठे हो, पूरे दिन पड़े हुए हो, फास्ट फूड खा रहे हो और तमाम बहुत सारी चीजें होती है तो भी ऐसा होता है, ठीक है। अब हम बात करें कि लगभग कोई भी टेस्टिस है, सपोज करो ये टेस्टिस है, तो इसको लगभग कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, आपको बता दूं इसको करीबन करीबन 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी इतने ताप पे ही रहती है। और मैम अगर इससे ज्यादा हो जाए, इससे कम हो जाए, ठीक है, तो बॉडी का टेम्परेचर लगभग इतना हो, बॉडी का टेम्परेचर लगभग इतना हो, शरीर का टेम्परेचर लगभग इतना हो तो काम चलता है, ठीक है। अगर इससे मतलब हद से हद, हद मार के 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, बस इससे ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। अगर सर्दियां होगी तो क्या होगा बच्चों, सर्दियां होती है ना तो इसको गर्मी चाहिए होती है, तो ये क्या होता है ऊपर की तरफ सरक जाता है, ठीक है, तो विंटर सर्दियों में कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिकुड़न होता है, जब ये सिकुड़न होता है तो ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा सरक जाती है, ऊपर की तरफ सरक जाती है, ठीक है, ऊपर की तरफ चली जाती है। और अगर समर होगा, गर्मी होगी, तो ये अपने आप को ठंडक चाहेगी। बच्चों अगर ज्यादा गर्मी मिलेगी तो स्पर्म काउंट तब भी कम हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होता है ये नीचे की तरफ फैल जाती है। कहती बात समझ में आई, क्लियर है, बोलो हाँ के ना, फटाफट से बताओ कमेंट करके, ठीक है। अब किसी को कुछ पूछना है, आगे बढ़े, चलिए, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। आपके घर में छोटे भाई हो सकते हैं, ठीक है, और हो सकता है कि वो अपनी बात ना बता पाए, तो एक बार इस चीज को देख लेना चाहिए कहीं उनको चोट तो नहीं लगी। देखो बेटा ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम हो गया, आजकल से बच्चा खेलता है, शर्म करता है, बताता नहीं है, ठीक है, पहले तो बच्चे ऐसे नंगे पंगे घूमते रहते थे सर, तो चोट वोट का पता लग जाता था, अब छोटा बच्चा भी शर्माता है, अरे पहले तो ऐसे घूमते रहते थे छोटे छोटे निकरों में बच्चे, और पिता से थोड़ा वो था, आजकल का बच्चा क्या डरा रहता है, सहमा रहता है, बताता नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि भाई आपका कोई छोटा भाई है, कोई छोटा बच्चा है, ऐसे चोट वोट लग गई है या ऐसा कुछ दिक्कत है, तो उसको डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि जनरली ये प्रॉब्लम जो है, अभी मैंने तो एक दो रिसेंटली सुनी है कि भाई एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ,
ठीक है, वो क्या कहता है उसकी एक टेस्टिस ऊपर रह गई एक नीचे रह गई, तो उनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, एक बच्चे को चोट लग गई। तो बहुत जेन्युइनली क्या है कि बहुत जेन्युइन है, छोटी मोटी चोट लग जाना साइकिल चलाते हुए, तो ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम हो गई है। तो इस चीज पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि आगे चल के इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक है, अब टेस्टिस की मैं बात करूं तो टेस्टिस का काम क्या होता है? ठीक है, आपसे पूछा जाए वर्क ऑफ टेस्टिस, आपसे पूछा जाए वर्क ऑफ टेस्टिस क्यों है भाई, शरीर के अंदर टेस्टिस का क्या काम है? शरीर के अंदर कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जिसका कोई भी काम नहीं हो। ठीक है, अपेंडिक्स का भी अपना एक काम था लेकिन अब नहीं है, कल्लाड़ का भी एक काम था, नहीं है, ठीक है, अब नहीं है लेकिन था तो। ठीक है, वर्क ऑफ टेस्टिस। ठीक है, वर्षाण का काम क्या होता है? कार्य बोलेंगे शुद्ध हिंदी में, तो आपसे पूछा था तो सीधी सी बात है यही जो है स्पर्म को प्रोड्यूस करने का काम करती है। ठीक है, तो हम यहां बोलेंगे इट प्रोड्यूस स्पर्म, इट प्रोड्यूस स्पर्म शुक्राणु को पैदा करने का कार्य, पैदा करने का कार्य करती है। तो शुक्राणु को पैदा करने का कार्य किसका होता है बेटा? सीधी सी बात है, शुक्राणु को पैदा करने का कार्य जो होता है वो आपका होता है टेस्टिस का। ठीक है जी, टेस्टिस का काम होता है। और ये किस में होती है? ये आप सभी को पता है, इस थैली को हम लोग क्या बोलते हैं? इस थैली को हम लोग बोलते हैं स्कॉटम, अभी बताया था। दूसरी बात है, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्षाण कोश। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है, देखते हैं वो बच्चे क्वेश्चन बता पाएंगे क्या या नहीं। एक क्वेश्चन बनता है बच्चों, किसके अंदर वर्षाण कोश नहीं पाए जाते हैं? बताइए किसके अंदर नहीं पाया जाता है, जो वर्षाण कोश होता है वो किसके अंदर नहीं पाया जाता है? देखो टेस्टिस तो नहीं कह सकते, अगर टेस्टिस नहीं पाई जाएगी तो बच्चा कैसे होगा आगे? ठीक है, तो वर्षाण कोश किसके अंदर नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, स्कॉटम किसके अंदर नहीं पाए जाते, फटाफट से बताओ। ठीक है, किनके अंदर स्कॉटम वर्षाण कोश नहीं पाए जाते हैं, फटाफट से बताइए। मैम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बायो का मॉडल टेस्ट पेपर 9 करवा दीजिए, ऐसा करवा देती हूँ मैं। ठीक है, एक बच्चे ने बोला गे, अबे क्या बोलूं मैं तुम्हें, गे बेटा, गे जो होता है बहुत डिफरेंट चीज होती है, आप समझ नहीं पाए उस चीज को। गे क्यों बनता है इंसान? गे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होने की वजह से तो गे बनता है इंसान, वो बॉडी से पूरा का पूरा लड़का होता है, बट समटाइम उसकी बोल सकते हो कि उसका जो फीलिंग होता है या उसका बिहेवियर जो होता है वो थोड़ा लड़कियों जैसा होता है, उसे बोलते हैं हम लोग गे। गे ट्रांसजेंडर, इन दोनों में फर्क होता है। गर्ल का मतलब गर्ल, भगवान ने 3 चीजें बताई हैं, लड़के का मतलब लड़का होता है, लड़की का मतलब लड़की होती है, और तीसरा होता है ट्रांसजेंडर, जो लड़का लड़की दोनों होता है, मिक्सचर होता है उनका सेक्सुअल ऑर्गन, लड़की का भी अंग होता है और लड़के का भी अंग होता है। और गे और लेस्बियन क्या होता है? तो गे और लेस्बियन इज द अनदर थिंग, मोर पिकॉक नहीं बेटा। देखो जो हाथी होता है एलिफेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे बेटा, एलिफेंट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाथी के अंदर वर्षाण कोश नहीं पाए जाते, टेस्टिस पाए जाते, कोश नहीं पाया जाता, थैली नहीं पाई जाती। ठीक है, तो हाथी के अंदर नहीं पाए जाते और डॉल्फिन के अंदर नहीं पाए जाते और वेल के अंदर नहीं पाए जाते, तो इनके अंदर क्या नहीं पाया जाता बेटा? इनके अंदर वर्षाण कोश नहीं होते। ठीक है, कहती बात समझ में आई? तो अब आपको मैंने बता दिया इसका काम क्या क्या होता है, क्लियर है? आगे बढ़े, बढ़े आगे, चलिए। ठीक है, नहीं टेस्ट्रोजन में प्रोजेस्ट्रॉन ज्यादा होता है। आदित्य, आदित्य आप गलत बोल रहे हो, प्रोजेस्ट्रॉन तो हार्मोन होता ही नहीं है मिल का, ठीक है, किसी और का होता है। किसका होता है जरा इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो जरा बच्चों, स्पर्म के बारे में बात करूं, ठीक है, स्पर्म कोशिकाएं, ठीक है, स्पर्म कोशिकाएं यहां गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं स्पर्म की मैं बात करूं, ठीक है, शुक्राणु की मैं बात करूं, किसकी बात करूं मैं? शुक्राणु की मैं बात करूं, तो शुक्राणु के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, जो पोषण होता है, वो कौन सी सेल्स देती है, कौन सी ऐसी कोशिका होती है जो शुक्राणुओं को न्यूट्रिशन देती है? यस बेटा, प्रोडक्टिविटी के लिए, आगे बच्चा पैदा होने के लिए
स्पर्म का स्पर्म के अंदर पोषण न्यूट्रिशन होने बहुत जरूरी है। तो कौन से सेल होते हैं बच्चों? सेरोटोनिन जो सेल होती है, सेरोटोनिन जो सेल होती है वो क्या देती है? सेरोटोनिन जो सेल होती है वो न्यूट्रिशन देने का काम करती है, ठीक है, न्यूट्रिशन देने का काम करती है। तो नंबर वन, अब एपिडाइमिस क्या होता है, अधिवृषण क्या होता है, और स्पर्म डक्ट क्या होता है, ठीक है, वीर्य नलिका क्या होती है, तो इन दोनों में एक फर्क होता है। देखो, अब बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि मैम स्पर्म जो होता है स्टोर कहाँ होता है? तो टेम्पररी रूप के लिए, ठीक है, टेम्पररी रूप के लिए स्पर्म कहाँ पे स्टोर होता है अगर आप लोगों से पूछा जाए तो? स्पर्म स्टोर्ड इन द टेम्पररी फॉर्म, ठीक है, शुक्राणु जो है अस्थायी रूप के लिए संग्रहित होता है, यानी कुछ समय के लिए जो स्पर्म होता है वो एपिडाइमिस में क्या होता है, ठीक है, एपिडाइमिस में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। अब ये कहाँ होता है मैम? ठीक है, अगर आप लोगों से कोई कहे कि मैम ये कहाँ होता है तो मैं कहाँ बताऊँ कहाँ होता है, तो मैं बताती हूँ कहाँ होता है, एक सेकेंड रुक जाओ बस, ठीक है। स्पर्म डक्ट की अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम एपिडाइमिस, ये एपिडाइमिस से शुक्राणु की क्या करता है, परिवहन करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो, देखो ये आपकी टेस्टिस हो गई, ठीक है, इसी के ऊपर एपिडाइमिस होता है ये, ठीक है, क्लियर है। और ऐसे करके ये यहाँ पे एक, ये आपका डक्ट जुड़ा रहता है, ये आपकी डक्ट होती है, ठीक है। ये डक्ट क्या करती है, स्पर्म को नीचे उतारती है। ये डक्ट क्या करती है बेटा, स्पर्म डक्ट क्या करती है, ये स्पर्म को नीचे उतारती है, किससे, एपिडाइमिस। इसमें क्या होगा, बन के थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहाँ होते हैं एक्चुअल में, तो ये एक्चुअल में आपको मैं डायग्राम दिखा देती हूँ। एक्चुअल डायग्राम जो होता है वो आपका ये होता है, ठीक है, जिसमें आप लोगों का ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आपका एपिडाइमिस जो होता है, एपिडाइमिस जो होता है वो यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या होता है, ये क्या होता है, नीचे की तरफ उतारता है, ये आपका क्या कहते हैं, टेस्टिस है, और ये एक थैली है जिसको हम लोग स्कॉर्टम बोलते हैं। तो ये आपका टेस्टिस हो गया, ये आपका स्कॉर्टम हो गया, ठीक है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कॉपर ग्लैंड है, वो क्या काम करती है, या फिर सेमिनल वेसल क्या होता है, रेक्टम आप सभी को पता है क्या होता है, ठीक है। तो कॉपर ग्लैंड क्या है, कॉपर ग्लैंड के बारे में बात करूँ तो कॉपर ग्लैंड, व्हाट इज कॉपर ग्लैंड, ठीक है। तो कॉपर ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्स जो लुब्रिकेंट निकालती है वो कॉपर ग्लैंड होती है, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। कॉपर ग्लैंड क्या होती है, पूछ लेता है भैया, कुछ भी पूछ लेता है। जब ये चैप्टर ऐसा है तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो कॉपर ग्लैंड क्या होती है बच्चों, इट सिक्रेट लुब्रिकेंट ड्यूरिंग सेक्स, ठीक है, सेक्स के दौरान, ठीक है, सेक्स के दौरान जो ये होती है लुब्रिकेंट जो होती है वो निकालती है। तो संभोग के दौरान चिपचिपा पदार्थ स्त्रावित करती है, संभोग के दौरान, ठीक है, चिपचिपा पदार्थ जो होती है, ठीक है, या चिकना, श्रावण करती है। चलिए अब आगे करते हैं बात, हम किसके बारे में करेंगे जरा देखिएगा, ठीक है। ह्यूमन का सीमन क्या होता है, वीर्य क्या होता है? तो बहुत सारे बच्चे ना वीर्य और स्पर्म में कंफ्यूज होते हैं, इसके बारे में मैं एक बार बता देती हूँ, ठीक है। अब भाई कम से कम मैं आपको बता देती हूँ, कम से कम 3000 लाइक हो जाने चाहिए, उसके बाद हम बात आगे करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोग सेशन को शेयर वेयर नहीं कर रहे हो क्या, सेशन को शेयर वगैरह क्यों नहीं कर रहे हो तुम, ये बताओ। एक बच्चे ने बोला हिंदी में बोलो, बायो इंग्लिश में नहीं आती, ठीक है। अब मैं आपको तो कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, बट मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगी कि जहाँ पे जो इतनी भी चीज़ें मैंने आपको लिखी है, कॉपर ग्लैंड को कॉपर ग्लैंड ही बोलते हैं, ठीक है। देखो कॉपर ग्लैंड कहाँ है आपकी, ये देखो यहाँ पे, ये देखो एक पीला पीला रंग का गोला है, ठीक है, यहाँ पे, ये देखो ये आपका कॉपर ग्लैंड होता है जो पेनिस से अटैच रहता है। ये क्या करती है, आपका चिकना पदार्थ स्त्रावित करती है, ठीक है। दूसरी बात मैं बताती हूँ, ये क्यों ऐसा पदार्थ स्त्रावित करती है, ठीक है बच्चों, ये इसलिए स्त्रावित करती है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, क्यों है भाई ये ऐसा, देखो ध्यान से,
क्लीजेंसिस यूथ्रा ऑफ एसिड टू प्रोटेक्ट स्पर्म. ठीक है बच्चों, यूथेरा से जो आपका एसिड जो अम्ल निकलेगा स्पर्म को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, वो एक क्लियर फ्लूड होता है जो स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है कहीं ना कहीं. ठीक है चलिए, तो हिंदी इंग्लिश में दोनों में बताते चल रहे हो, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में नहीं बताया जा रहा है. ठीक है क्लियर है. मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हारे कमेंट्स पढ़ के, कोई दिक्कत नहीं है. आइए ह्यूमन सीमन की अगर मैं बात करूं, मानव वीर्य की अगर मैं बात करूं, उसके बाद मैं ब्रेन पढ़ाने वाली हूं, फिर उसके बाद आगे का चैप्टर देखेंगे. ठीक है, मैनी ऑफ स्वम आर फाउंड, कई शुक्राणु पाए जाते हैं. ठीक है, ह्यूमन सीमन की मैं बात करूं, मानव वीर्य की अगर मैं बात करूं, तो मानव वीर्य जो होता है बच्चों 3 ml में 30 million पाया जाता है. ठीक है, मानव वीर्य क्या होता है बच्चों, सीमन क्या होता है, सीमन. ठीक है, सीमन क्या होता है, अब आपको मैं बता देती हूँ बच्चों, सीमन क्या होता है. सीमन वर्ड यूज किया जाता है, स्पर्म वर्ड यूज नहीं किया जाता. तो किसी का जब वो टेस्ट के लिए लिया जाता है तो स्पर्म नहीं लिया जाता, सीमन लिया जाता है. ठीक है, सीमन क्या होता है, मेनी ऑफ स्पर्म्स आर फाउंड, उसमें कई शुक्राणु पाए जाते हैं. ठीक है, 3 ml में लगभग 30 million पाए जाते हैं. ये सबकी जो डाटा हो सकता है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, सबका अलग अलग होता है. ठीक है, और 1 ml से अगर कम होता है तो 1 ml लेस देन 30 million, यानी अगर 1 ml से कम होता है या 30 million से कम होता है तो ये जो है कहीं ना कहीं स्टेरिलिटी कर सकते हैं. ठीक है, लगभग 1 ml है. ठीक है, 30 ml में लगभग 30 ml, इससे ज्यादा ही होते हैं, 30 million से ज्यादा ही होते हैं. ठीक है, 30 million से ज्यादा ही होते हैं 3 ml में. तो अब आप बोलोगे, अब आप काउंट करोगे कि भाई जब 3 ml में 30 है, मैथ लगा दोगे तुम लोग, तो 1 ml में 1 million होंगे, है ना. तो बच्चों अगर लेस देन 30 million है, अगर 30 million से कम होते हैं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं स्टेरिलिटी का क्या बन सकता है, कारण बन सकता है. देखो इसके कम होने के कारण क्या हो सकता है, सबसे पहली बात तो मैंने आप लोगों को बताया कि एक टेस्टिस पेट के अंदर ही है, या चोट लगने की वजह से एक टेस्टिस है ही नहीं. ये दो कारण तो बिल्कुल मेडिकल कारण हो गए. ठीक है, और एक कारण क्या हो गया, एक कारण ये हो गया कि भाई आपकी गलत आदतें हैं, यानी आप सो रहे हो तो सो रहे हो, कोई फिजिकल एक्सरसाइजेज नहीं है आपकी लाइफ में, तब भी होता है ऐसा. ठीक है, दूसरी बात ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं हो गए, यानी जो पड़े रहते हैं, जो मोटे लाला सेठ होते हैं तो उनके बच्चे नहीं होते, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता. लेकिन सबका शरीर अलग होता है. ठीक है, हर किसी की बॉडी अलग होती है. ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर मैं बात करूं कि डिप्रेशन का जो शिकार होते हैं वहां पे भी ऐसा होगा. ठीक है, या फिर मैं बात करूं कि बहुत सारी चीजें होती है, शराब सिगरेट पीने की जिन्हें आदत होती है, तब भी आपको ऐसा नॉर्मली देखने को मिलेगा. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब आगे बढ़ने के बाद हम लोग क्या बताएंगे, अब आगे बढ़ने के बाद हम लोग सेक्स हॉर्मोन्स के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं. ठीक है, किसके बारे में बात करने वाले हैं, सेक्स हॉर्मोन्स के बारे में बात करने वाले हैं, कि सेक्स हॉर्मोन्स होते क्या है, काम क्या करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है. ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो सेक्स हॉर्मोन्स क्या है बच्चों, सेक्स हॉर्मोन आपके सेकेंडरी, आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है, द्वितीय लैंगिक अंग की हम लोग बात कर रहे हैं, दूसरे लैंगिक अंग की हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि पुरुषों के अंदर कौन सा सेक्स हार्मोन रिलीज होता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बतेरी बार पूछा गया है, और बहुत बार आपको ये प्रैक्टिस सेट के अंदर भी मिल जाएगा. ठीक है, तो पुरुषों के अंदर जो सेक्स हार्मोन रिलीज होता है, जो लैंगिक हार्मोन पुरुषों के अंदर रिलीज होता है बच्चों, वो होता है आपका टेस्टोस्टेरोन, और उसी का दूसरा नाम होता है एंड्रोजन हार्मोन. अब टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन बन रहा है तो तुम्हें याद रह जाएगा, लेकिन इसी का दूसरा नाम एंड्रोजन है. देखो मैं आपको बता देती हूं कि आपने जो हार्मोन सुने होंगे वो कौन से हैं. ठीक है, देखो एक तो आपने सुना होगा हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो, एक तो आपने सुना होगा टेस्टोस्टेरोन, सुन लिया जी. ठीक है, उसके बाद आपने दूसरा सुना होगा एंड्रोजन. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद तीसरा आपने क्या सुना होगा, प्रोजेस्ट्रॉन.
ऐसे ऐसे आपने सुना होगा एस्ट्रोजन, ठीक है। तो आपने ये चार तरह के हार्मोन सुने होंगे और आप में से ये पूछा जाएगा, आप में से पूछा जाएगा कि भाई बताइए फीमेल सेक्स हार्मोन कौन से है। अब आपको मैं बता देती हूँ, फीमेल सेक्स हार्मोन में एक प्रॉब्लम आ जाती है। मैं कहते हैं मैडम क्या, जैसे मेल के अंदर तो एक ही सेक्स हार्मोन निकल रहा है भाई, स्पर्म निकलने का काम है मेल का, क्यों बस स्पर्म रिलीज करना है, बाकी बच्चा पैदा करने का काम तो फीमेल का होता है, औरत का होता है। इसलिए कहीं ना कहीं औरत के अंदर ना, किसी फीमेल के अंदर, औरत ही बोलेगी भाई जब वो माँ बनने वाली है, तो किसी भी फीमेल के अंदर ना दो तरह के हार्मोन होते हैं, एक जो एग प्रोड्यूस करती है और एक जो उस बच्चे का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं करवाती है, ठीक है। तो फीमेल के अंदर दो सेक्स हार्मोन होते हैं, ये फीमेल वाले हैं, ठीक है, और मेल, इन दोनों का नाम एक ही है। कहते हैं मैडम मेल के अंदर भी दो होते हैं, अरे नहीं दो नहीं होते, इन दोनों का नाम एक ही है। तो टेस्ट्रियन और एंड्रोजन हार्मोन ये एक हार्मोन है, एक है, नाम दो है, मतलब आप टेस्ट्रियन भी कह सकते हो, चुन्नू भी कह सकते हो, राहुल भी कह सकते हो, सोना भी कह सकते हो, सोनम भी कह सकते हो, रोहित भी कह सकते हो, छोटू भी कह सकते हो, ऐसे बहुत सारे नाम है, ठीक है। कहती बात समझ में आई, क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं, टेस्ट्रियन की बात करते हैं, एंड्रोजन हार्मोन की बात करते हैं, टेस्ट्रॉन की बात करते हैं। तो ये जो होता है बच्चों, ये क्या पैदा करता है, ये आपका टीनेजर की एज में निकलता है। टीनेजर की एज, बाल उम्र क्या होती है, लगभग आपकी 12 से लेकर 13 साल की उम्र होती है, पहले 14-15 में निकलता था, वैरी कर सकता है। तो उस बाल एज में क्या होता है, आपका वॉइस बदलता है, आपकी आवाज बदलती है, ठीक है, आपकी दाढ़ी आती है, आपकी मॉस्टेक आती है, आपके बाल आ जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी ये हार्मोन निकलेगा आपके कहीं ना कहीं बॉडी में चेंज आएंगे। और मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब, प्राथमिक अंग का मतलब है कि आपको पता है मैं लड़का हूं, लेकिन समाज को आगे चल के कैसे पता लगेगा, जब आपके आवाज में बदलाव आएगा, जब आपकी बॉडी में बदलाव आएगा, जब आपकी मूंछ दाढ़ी आएगी, हाँ भाई लड़का जवान हो गया, एक शब्द बोला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सेकेंडरी हार्मोन रिलीज होने के कारण है। कुछ लोगों की दाढ़ी मूंछ लेट आती है लेकिन टाइम से रिलीज हो जाता है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि जो स्पर्म होता है, जो शुक्राणु होता है, ठीक है, अब इसके अंदर कौन सा शुगर पाया जाता है, अगर आपसे पूछा जाए शुक्राणु के अंदर कौन सा शुगर पाया जाता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, बताओ क्या बोलोगे, शुक्राणुओं के अंदर कौन सा शुगर पाया जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बोलोगे, बताओ 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 बेटा, फटाफट से बताओ, ठीक है। कौन सा शुगर पाया जाता है, कौन सी शर्करा पाई जाती है, बताओ। ग्लूकोज पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है, माल्टोज पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है, गैलेक्टोज पाया जाता है, ठीक है, पेंटोज पाया जाता है, बताओ, सेलुलोज पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है बेटा, फ्रक्टोज पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है, जो फलों के अंदर पाया जाता है ना, फलों के अंदर जो शुगर होती है वो फ्रक्टोज होती है, ठीक है। तो C6H12O6 सेम फॉर्मूला होता है जो ग्लूकोज का होता है, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। कहती बात समझ में आई, चलिए अब आगे बढ़े, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के कुछ क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों का जवाब थोड़ा सा मैं देना चाहूंगी। बच्चों आपने एक वर्ड सुना होगा जिस वर्ड को हम लोग कई बार नसबंदी बोल देते हैं, है ना, वो क्या है, देखो ध्यान से सुनो, देखो बच्चों एक यहां पे नस है जिसको बोल रहे हैं वेस्ट डिफरेंस, ये क्या होती है, ये क्या होती है बच्चों, ये वेस्ट डिफरेंस जो होती है एक्चुअल में ये क्या ले जाने का काम करती है बेटा, ये क्या ले जाने का काम करती है, ये स्पर्म ले जाने का काम करती है, ये क्या ले जाने का काम करती है, ये स्पर्म ले जाने का काम करती है, ये वेस्ट डिफेंस होती है, देखो ये यहां से देखो ये जो ये होती है ये आपका क्या होती है, स्पर्म ले जाने का काम करती है। तो जिन लोग जो होते हैं जो नसबंदी करवाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्कोटॉमी, क्या बोलते हैं बेटा, वेस्कोटॉमी बोलते हैं। अब यहां पे कुछ चीजें मैं बताऊंगी, ध्यान से सुनना,
ठीक है, जो आपका वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है नस, ठीक है, वेस्ट डिफेंस जो होती है, ठीक है, उसको क्या कर दिया जाता है बेटा, काट दिया जाता है, काट दिया जाता है, काट दिया जाता है, वेस्ट डिफेंस, नस को क्या कर दिया जाता है बेटा, काट दिया जाता है, ठीक है, जब इसको काट दिया जाता है, ठीक है, इसको कट कर दिया जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नसबंदी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्कोटॉमी। तो वेस्ट डिफेंस को कट कर दिया जाता है वेस्कोटॉमी। इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल डिजायर भी होंगे, सब कुछ होगा, बस जो स्पर्म है वो रिलीज नहीं होगा, जब स्पर्म रिलीज नहीं होगा तो बच्चे नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी बात ये है, कुछ लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे नहीं है, ये रही है, कुछ लोगों को ये वाली बीमारी होती है, नाइटफॉल, स्वप्न दोष। तो स्वप्न दोष क्यों होता है, स्वप्न दोष जो होता है बेटा वो बुरी आदतों की वजह से होता है, गलत आदतों की वजह से होता है, जिन लोगों के अंदर बुरी आदत होती है, गलत आदत होती है, वो समझ रहे हो, समझदार को इशारा ही काफी है, ठीक है। तो जो उनकी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है बच्चों, प्रोस्टेट ग्लैंड जो ना वो एक दरवाजा है, वो एक डोर है, वो एक ऐसा डोर है जो टॉयलेट के रास्ते से स्पर्म को रिलीज नहीं होने देता। क्यों बेटा, देखो ये आपका ब्लैडर है भैया, आपका मूत्राशय हो गया, आपका ब्लैडर हो गया, ठीक है, और इधर से ही आपका स्पर्म, इसी हिस्से से आपका स्पर्म रिलीज होता है, ये जो आपका पेनिस है इसी हिस्से से आपका स्पर्म रिलीज हो रहा है और इसी हिस्से से आपका टॉयलेट रिलीज हो रहा है, तो स्पर्म तो टॉयलेट के साथ निकल जाएगा, नहीं निकलता, ठीक है, क्योंकि जो वेस्ट डिफेंस होती है वो स्पर्म को नीचे लेके आती है, और यहीं पे इधर ये देखो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, एक तरह से दरवाजा होता है, ये यहाँ दरवाजा बन जाती है, तो ये दरवाजा होता है, जब टॉयलेट बाहर निकलता है तो ये दरवाजा बंद कर देती है स्पर्म वाला, ठीक है, और जब क्या कहते हैं टॉयलेट मतलब कर लेता है इंसान, फिर ये यहाँ से क्लोज होके स्पर्म वाला रास्ता बना लेती है। तो जिन लोगों को मतलब गलत आदतें होती है, गंदी आदतें होती है, उनकी प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, सब दोष में क्या होता है, आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, दो ग्रंथियों के बारे में बेटा मैंने यहाँ पे पढ़ाया, कोपर ग्लैंड के बारे में पढ़ा है, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हो, तो ग्रंथियां कौन सी काम करते हैं यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, एक प्रोस्टेट एक कोपर ग्लैंड, ठीक है। तो ये क्या होती है बेटा, ये आपकी कमजोर हो जाती है, किसी भी लड़के की ये जब कमजोर हो जाएगी, ये जब वीक हो जाएगी तो उसको नाइटफॉल होने लग जाएगा और कहीं ना कहीं स्पर्म काउंट भी कम हो जाता है और वीक हो जाता है, क्लियर है, चलिए क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाता है, ठीक है। अब कितने बच्चे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना चाहेंगे और कितने बच्चे ब्रेन मस्तिष्क के बारे में पढ़ना चाहेंगे, जैसे बताइए फटाफट से बताइए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहती हूँ, देखो जहाँ पे मैं हूँ मैं वहाँ पे रहूँगी, ठीक है, और मैं यहाँ पे भी हूँ, तुम पढ़ो दोनों जगह जहाँ पे, ठीक है, मैं वहाँ पे भी रहूँगी बेटा और मैं यहाँ पे भी रहूँगी, ठीक है। दूसरी बात है भैया देखो, ये तो समाज है, ये तो हर तरह की बातें करेगा और हर तरह की बातें करता रहेगा, तो मैंने आपको कुछ बात बताई है, देखो पहली बात तो आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो मैं आपको नहीं बता सकती कि स्पर्म काउंट कैसे बढ़ाया जाएगा, ये कैसे बढ़ाया जाएगा, वो कैसे बढ़ाया जाएगा, पहली बात तो इसे उसे बढ़ाने का आपका अभी समय नहीं है, ठीक है, तुम्हें अभी बाप बनना है क्या, नहीं ना, तो पहले तो तुम्हें नौकरी लेनी है, उसके बाद जो आगे की चीजें होगी वो आगे देखेंगे, उसके लिए डॉक्टर बैठे हैं, तुम इसी चीज को टेंशन लेके बैठे हो, एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि भाई तुम कितने बच्चे पैदा कर सकते हो, एग्जाम में कुछ चीजों के बारे में पूछेगा, वो चीजें मैंने आपको बता दी है, और हर चीज का एक समय होता है, एक टाइम होता है, और वो समय आने पे तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम बाप बन सकते हो या नहीं बन सकते हो, नहीं बन सकते तो उसके लिए डॉक्टर है, ठीक है। तो अभी इतनी टेंशन मत लो, क्योंकि तुम्हारे अभी माता पिता को भी इतनी चिंता नहीं है तुम्हारे खानदान बढ़ाने की, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो, तुम पढ़ाई करो अपनी, ठीक है, आइए। हाँ, तो मैक्सिमम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कह रहे हैं और कुछ बच्चे ब्रेन के बारे में कह रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेन के बारे में कुछ बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कह रहे हैं, ठीक है। देख लेती हूँ एक बार। हाँ, एक बच्चा बार बार पूछ रहा है कि हाउ टू कंट्रोल सेक्सुअल थॉट। पहली बात तो सबसे पहली चीज़ है मोबाइल से दूरी बना के रखो, ठीक है। दूसरी चीज है
कि जो बच्चे जो लोग वेल्ले होते हैं ना, वेल्ले वेल्ले कहने का मतलब जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता है, ठीक है, उनके दिमाग में थॉट ज्यादा आते हैं, क्योंकि जब आप अपना काम करोगे, जब आप अपने काम में बिजी रहोगे, आपको इतना समय नहीं मिलेगा इन चीजों के बारे में सोचने का। उसके बावजूद भी आपका दिमाग उस ओर जा रहा है, तो पहली बात है जिस चीज को जितना सोचोगे उतना दिमाग में आएगी, और फिर भी जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है। देखो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ और ये मेरा पहले भी बहुत ज्यादा वायरल हुई है ये चीजें, ठीक है, अगर आपको कभी भी ऐसा महसूस होता है कि मैं एक बहुत बुरी आदत में पड़ गया हूं, ठीक है, मेरे जो थॉट है वो बहुत अलग चलने लग गए हैं, मेरे को सेक्सुअल थॉट आने लग गए। देखो सेक्सुअल थॉट का एक सबसे बड़ा हमारे इंडिया में रीजन है पॉर्न, ठीक है, पॉर्न एक सबसे बड़ा रीजन है सेक्सुअल थॉट का, पहली बात तो वो बंद करना है आपको। दूसरी बात यह है कि अगर आप ज्यादा खाली रहोगे तो आपकी ये चीजें दिमाग में आएगी, तो अपने आप को बिजी करने की कोशिश करो, नंबर दो। और नंबर तीन, लेट नाइट जागना बंद करो। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही बोला गया है, ठीक है, हिंदुत्व में भगवत गीता में बहुत जगह ये बहुत सही बोला गया है कि जितनी ज्यादा आप रात को जागते हो आपके अशुद्ध विचार कुछ ज्यादा ही बढ़ जाते हैं। एक तो होता है कि आप रात को जाग रहे हो, काम कर रहे हो, तो आपका ध्यान कहीं और भटक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ध्यान कहीं और लग रहा है, भटकना गलत है। लेकिन आप बिल्कुल वेल्ले पड़े हुए तो आपको तो फिर गलत ही विचार आएंगे, आप कुछ कुछ सोचोगे, कुछ अलग सोचोगे, कुछ बुरा भी सोचोगे किसी के लिए। तो अगर आप रात को काम कर रहे हो कुछ, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई अपने आप को बिजी रखो, नहीं तो खाली मत पड़े रहो। दूसरी बात है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बुरे विचार आते हैं, तो भैया 9-10 बजे तक सो जाओ, सुबह 6 बजे उठो, 5 बजे उठो, पूजा करो, पढ़ो, अपने आप ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये जितने लोग रात को पढ़ते हैं ना, ये जितने भी लोग रात को पढ़ते हैं, जितने भी लोग रात को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उनसे मैं ये कहती हूँ कि आप कुछ नहीं करते रात को, आप टाइम वेस्ट करते हो, क्योंकि सोचते सोचते आपका पूरा टाइम निकल जाता है, ठीक है, सोचते सोचते आपका पूरा टाइम निकल जाता है। क्या पूरा टाइम निकल जाता है, अब क्या करूंगा क्या करूंगा, 3 बज जाते हैं, 3:30 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं। तो मेरे हिसाब से रात को तुम पढ़ाई तो करते हो पर ऑन एन एवरेज 2 या 3 घंटे, लेकिन तुम सुबह उठोगे तो तुम पूरी रात का एवरेज सुबह 6 बजे से लेके 8-9 बजे तक निकाल दोगे। तो इसलिए सुबह उठना ज्यादा बेटर है पढ़ाई के लिए। मैं भाई देखो हम भी इस उम्र से निकले हैं, कुछ नहीं होता, बैठे रहते सोचे रहते सोचते हैं, नींद आती है कुछ, फिर क्या होता है, फिर पानी पिलोगे, फिर उठ जाओगे, फिर घूम जाओगे, फिर बैठ जाओगे। एवरेज की पढ़ाई है, मतलब अगर तुम पूरी रात लगा रहे हो, पूरी रात के 7-8 घंटे लगा रहे हो, 9 बजे बैठ गए तुम, सुबह 6 बजे सो रहे हो, 6:30 बजे सो रहे हो, तो एवरेज 3 घंटे का ही निकलता है पढ़ाई का, ठीक है। चलिए अब आगे नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। देखो दूसरी बात सुनो मेरी बात, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ना बड़े टेंशन में आ गए हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे बड़े टेंशन में आ गए हैं, और कई बार बच्चे पता नहीं ये सोचते हैं कि नहीं भैया जहां मैं हूं वहां मैं रहूंगी हमेशा, ठीक है। एक बच्चे ने बोला कौन से एग्जाम में आएगा, तो देखते हैं। नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करते हैं। बच्चों तंत्रिका तंत्र में ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है, मेरुरज्जू होता है, जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और हमारा जो लैपटॉप है वो डेड हो गया है, नहीं तो हम आपके कमेंट नहीं देख पाएंगे, जिसके लिए हमें इसको चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं, अभी भी मुझे बता दो, जब तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। तो कितने बच्चे ऐसे जो नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना चाहते हैं, और कितने बच्चे ऐसे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना चाहते हैं, और जितने बच्चे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना चाहते हैं उनको मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ, कुछ इंजेक्शंस वगैरह भी यहाँ पे मैं बताऊंगी आगे चल के, ठीक है, जो आपको अपनी मदर को रिकमेंड करने हैं, अपनी माँ को रिकमेंड करने हैं, आपकी बहन को रिकमेंड करने हैं, जो आगे चल के कहीं ना कहीं एक जो परेशानी फीमेल्स के अंदर पैदा होती है तो उससे कहीं ना कहीं बचा जा सकता है, और हमारे इंडिया में अभी इसकी बहुत ज्यादा जागरूकता भी नहीं है, ठीक है। यस ठीक है, फीमेल 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 फीमेल, वैसे ज्यादातर तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही आ रहा है। एक बच्चा बोल रहा है केमिस्ट्री पढ़ाओ, एक्चुअल में आज हमने ना बायो का कंटेंट रखा हुआ है, ठीक है, आज हम बायो का कंटेंट रखे हुए हैं, यानी आज हम बायो ही पढ़ाएंगे, कहने का मतलब ये है आज क्या पढ़ाएंगे, बायो ही पढ़ाएंगे। फिर एक दिन कभी मैराथन रख लेंगे फिजिक्स की, जिसमें हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल वगैरह देख लेंगे, फिर एक दिन हम लोग केमिस्ट्री की देख लेंगे, ऐसे करके हम देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तुम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ोगे, तुम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, पहले कसम खाओ कि जो मैं बताऊंगी वो मानोगे,
तब तो मैं बढ़ाऊंगी, बोलो कसम खाते हैं सारे के सारे बच्चे, बोलो कसम खाओ कि जो मैं बताऊंगी वो उस चीज को ध्यान दोगे और करोगे उस चीज को, तब तो मैं कर सकती हूँ। बोलो कसम खाओ, शपथ खाओ, शपथ खाओ इस चीज की, मेरी बात मानोगे यहाँ पे जो मैं बताऊंगी, अब मेरी बात मानोगे यहाँ पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ बातें ऐसे बताने वाले हो, ठीक है, और यहाँ पे जितने भी लड़के पढ़ रहे हैं ना, वो जब इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे तो वो खुद ये बोलेंगे कि भगवान का शुक्र है कि हम लड़के हैं, ठीक है, भगवान का शुक्र है कि हम लड़के हैं, क्योंकि हम सिर्फ स्पर्म रिलीज करेंगे और उसमें एक हार्मोन निकलना चाहिए और बात खत्म, हमें इतनी टेंशन नहीं है। लेकिन एक फीमेल को माँ बनने के लिए कितनी कैटेगरी से निकलना पड़ेगा कि तब वो माँ बननी, ये भी ठीक होना चाहिए, 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 डेवलपमेंट नहीं होगा, ये नहीं होगा, बूढ़ नहीं बनेगा, तो ऐसी तमाम बहुत सारी बातें यहाँ पे सीखने वाले हैं। फिर अगर ऐसे हो गया तो कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। देखो अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार देखा, नहीं जानते थे, मैडम आपकी तरह सभी को सभी चीजों की इंफॉर्मेशन रहती है, फिर इंडिया में इतनी तकलीफ क्यों है, आपकी तरह सभी का एक्सपीरियंस है फिर बीमार क्यों है, ठीक है। देखो बात सोच की होती है, अगर सबकी सोच एक जैसी हो गई ना तो आपस में लड़ाई होनी बंद हो जाएगी, फिर मियाँ बीवी के डिवोर्स भी होने बंद हो जाएंगे, फिर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के ब्रेकअप भी नहीं होंगे, फिर दोस्ती में दगाबाजी भी नहीं होगी, ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो नहीं होगी। तो सोच की बात है, सोच पे फर्क पड़ता है, ठीक है। एक से रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग यहां पे बात करते हैं। वैसे मजा नहीं आ रहा, मजा इसलिए नहीं आ रहा कि वॉचिंग कहीं ना कहीं कम है, ठीक है। हाँ आ जाओ, ओके, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं, ऑर्गन के बारे में बात करते हैं, मादा प्रजनन तंत्र के बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, मादा प्रजनन तंत्र के अगर बारे में बात करूं तो सबसे पहले देखो यहां पर लिखा हुआ है ओवरी, ये ओवरी होती है। अब आपको सुन के बहुत अजीब लगेगा कि फीमेल के अंदर जब इनमें से किसी भी चीज में प्रॉब्लम होती है तो ये कोई भी ऑर्गन काट के अलग हटा दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन, ठीक है। अगर ओवरी खराब हो गई है तो ये ओवरी हटा दी जाती है यहां से, ठीक है। अगर ट्यूब खराब हो गई, इसको बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब खराब हटा दी जाती है। यहां यूट्रस होता है, अगर यूट्रस में प्रॉब्लम होती है तो यूट्रस हटा दिया जाता है, फ्लोपियन ट्यूब काट के निकाली जाती है, ओवरी काट के निकाल दी जाती है, यूट्रस निकाल दिया जाता है। मतलब कितनी समस्याएं हैं महिलाओं के जीवन में, ठीक है, उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि सेम फीमेल के अंदर भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या होता है बेटा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है वो अंग जिससे ये पता लगे भाई कोई लड़का है या लड़की है। उसके बाद जो एक लड़की होने का क्राइटेरिया होता है सोसाइटी में, वो फुलफिल कौन करवाता है? वो आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन करवाता है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्राथमिक अंग जो होता है, प्रोड्यूस गैमेट्स, युग्मज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? युग्मक का निर्माण करता है, गैमेट्स प्रोड्यूस करवाता है, जिसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? आपका ओवरी। ओवरी अंडाशय क्या होता है बेटा? आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ये सेम कुछ इस तरह से है बेटा, ये सेम कुछ इस तरह से है जिस तरह से आपका क्या होता है, जिस तरह से आपका टेस्टिस था, इसी तरह से आपकी ओवरी होती है। फीमेल के अंदर ओवरी होती है। ओवरी कहां पाई जाती है फीमेल के अंदर? तो फीमेल के अंदर ओवरी यहां पे पाई जाती है, ये आपकी ओवरी है, ये आपकी ओवरी है। तो ये भी दो पाई जाती है, एक यहां पाई जाती है, यहां पाई जाती है, दो ओवरी पाई जाती है, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम एक ओवरी होगी तो क्या सेम टेस्टिस वाली प्रॉब्लम होगी? हाँ बिल्कुल, एग काउंट कम होंगी, लेकिन फीमेल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि पेट में चढ़ जाएगी, पेट से नीचे उतर जाएगी। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब इसके अंदर सिस्ट बन जाती है। सिस्ट बहुत तरह की होती है, ठीक है। पीसीओडी के बारे में बहुत ज़्यादा बच्चे मुझसे पूछने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर भी एक मैं लेक्चर लेके आऊँगी पर्टिकुलर, ठीक है। ओवरी होती है, ये जो ओवरी होती है बेटा ये दो होती है, अगर एक होगी तो दिक्कत होगी, ये बात सच है, ठीक है। कहती बात समझ में आई? चलिए
ठीक है, तो प्रोड्यूस ओव्यूम, ये क्या पैदा करते हैं बेटा, ओव्यूम अंडाणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बेटा, मैं अपने हाथों से लिख देती हूँ, अंडाणु का निर्माण करते हैं। अंडाणु का क्या करते हैं बेटा, अंडाणु का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, प्रोड्यूस ओव्यूम। ठीक है बच्चों, ये अंडाणु का निर्माण करने का काम करते हैं, एग बनाते हैं। एग बनाना क्यों जरूरी होता है, एग बनाना इसलिए जरूरी होता है, जब स्पर्म, जब शुक्राणु एग से मिलेगा, ओव्यूम भी बोल दो चलो इसे, ठीक है, अंडाणु से मिलेगा तभी तो आपका गैमेट बनेगा। ये जो है, ये जो गैमेट है, ये तभी तो बनेगा आपका, युग्मक का निर्माण तभी तो होगा, ऑफस्प्रिंग, युग्मक, गैमेट, भ्रूण जिसको आप बोलते हो, उसके बारे में यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ओवरी जो होते हैं, ओवरी, ओवरी के अंदर जो एग प्रोड्यूस होता है वो कौन करता है, ओवरी के अंदर जो एग पैदा करता है, जो अंडा पैदा करता है वो कौन होता है। ठीक है, तो ओवरी के अंदर कौन प्रोड्यूस करता है, सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस, लैंगिक हार्मोन का जो उत्पाद होता है वो क्या करते हैं, वो एग प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो जो लैंगिक हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, वो एग को प्रोड्यूस करते हैं, एग को प्रोड्यूस करने का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऐसा बोला जाता है, लेकिन अभी हमें लैंगिक हार्मोन की बात तो करनी ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे अभी, इसको क्या करेंगे, यहां पे डिलीट मारेंगे, क्योंकि अभी आपको लैंगिक हार्मोन समझ में नहीं आएगा, जब आएगा तब मैं बताऊंगी। ठीक है, तो आपसे पूछे भाई ओवरी क्या करता है, व्हाट डज इट प्रोड्यूस, यह क्या पैदा करता है, ये क्या बनाता है, तो बच्चों इसका काम है एग बनाने का। ठीक है, तो ओवरी का काम है एग बनाने का, ठीक है, अंडाणु बनाने का या ओव्यूम बनाने का, ये बनाने का काम किसका होता है, ये ओवरी का होता है। फिर आपसे पूछा जाए कि ओवरी जो होती है वो आपके क्या कहते हैं यूट्रस से, आपके बच्चेदानी से किससे जुड़ी रहती है, तो इसमें भी एक बच्चेदानी से जोड़ने के लिए चीज होती है। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनना, यहां पे मैं डायग्राम बना दूं, डायग्राम बना दूं यहां पे, चलिए डायग्राम बना देते हैं यहां पे, देखो ठीक है, बहुत सिंपल सा डायग्राम बनाऊंगी मैं, समझ में आ जाएगा शायद। ये दो ओवरी है, ठीक है, अब यहां पे एक ऐसे 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 करके तार सा होगा, ठीक है, ये है ओवरी, अंडाशय, ठीक है, ये यहां पे वजाइना, ये सर्विक्स, ठीक है, और इधर ही अपना ये यूट्रस ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग मेसिबोरम, क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग, मेसिबोरियम बोलते हैं। ये मेसिबोरियम क्या होता है आपसे पूछा जाता है, मेसिबोरियम क्या होता है, क्या होता है मेसिबोरियम, बहुत बार पूछा जाता है मेसिबोरियम क्या होता है, कोई बता सकता है मेसिबोरियम क्या होता है, मेसिबोरियम को मेसिबोरियम ही बोलते हैं हिंदी में, फिर आप पूछोगे कि मैम मेसिबोरियम, देखो आपसे पूछे कि ओवरी को यूट्रस से कौन जोड़ता है, तो ओवरी को यूट्रस से मेसिबोरियम जोड़ता है, तो हम बोलेंगे ओवरी इज कनेक्टेड विद यूट्रस थ्रू मेसिबोरियम। ठीक है, आइए, ओवरी इज कनेक्टेड विद यूट्रस मेसिबोरियम, मेसिबोरियम से जुड़ा रहता है, या मेसिबोरियम मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, क्लियर है। ठीक है, हम लोग बोलेंगे अंडाशय जुड़ा होता है गर्भाशय से मेसिबोरियम
झिल्ली द्वारा, ठीक है। अब आगे बढ़िए, अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, उन हॉर्मोन्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोपियन ट्यूब के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बेटा? फ्लोपियन ट्यूब के बारे में बात करते हैं कि फ्लोपियन ट्यूब क्या करता है, ठीक है। फ्लोपियन ट्यूब का काम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बच्चों कई बार बच्चों का क्वेश्चन आता है मैम ओविडक्ट क्या होता है, तो याद रखिएगा फलोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम होता है ओविडक्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ओविडक्ट, बहुत ज्यादा। अगर ये नहीं है तो कोई भी बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता। तो अब आप बोलोगे मैम बच्चा अंड वही का बोलते हैं, हिंदी में एक ही नाम होता है। आप बोलोगे कि मैम बच्चा पैदा करने के लिए तो सिर्फ और सिर्फ एग की जरूरत होती है, तो मैंने बोला ना कि लड़कियों की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, लड़कों के अंदर सिर्फ स्पर्म चाहिए होता है, बस बच्चा पैदा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लड़कियों में सबसे पहली बात ओवियम प्रोड्यूस होना चाहिए, नंबर वन बात सुन ली आपने, ठीक है। तो नंबर वन बात है ओवियम, ठीक है। क्लियर है? हाँ, तो नंबर बात होती है ओवियम, ओवियम बात हो गई नंबर वन। नंबर दो क्या हो जाएगी बताइए, ठीक है। तो फिलोपियन ट्यूब में अंडवाहिका में क्या होता है? ओवियम होता है, ओवियम, ठीक है। ओवियम जो होता है एग प्रोड्यूस करता है। अब फिलोपियन ट्यूब क्या करेगी? बच्चों जो बच्चा डेवलप होगा, फर्टिलाइजेशन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा गया है यहां से फर्टिलाइजेशन कहां होता है, तो आप बोलोगे फर्टिलाइजेशन डन इन ओविडक्ट, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? अंडवाहिका में क्या होता है बच्चों? अंडवाहिका में निषेचन होता है, अंडवाहिका में निषेचन होता है। बेटा अंडवाहिका में निषेचन होने का मतलब क्या है? देखिए अंडवाहिका में निषेचन होने का मतलब क्या है मैं आपको बताती हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। डायग्राम पे चलते हैं अपने, ये देखिए मैंने यहां पे येलो पेन लिया है। तो बच्चों जैसे ही ओवरी एग बनाएगी, ये देखो ये यहां पे, ये आपका यहां पे इस पॉइंट पे ये फ्लोपियन ट्यूब जो होती है ना, ये क्या करती है, जो आपका स्पर्म होता है और जो आपका एग होता है उससे गैमेट बनाती है, ठीक है। तो अगर किसी भी लड़की की फ्लोपियन ट्यूब खराब है तो वो मां नहीं बन सकती। कई बार देखा गया है कि फ्लोपियन ट्यूब चिपकी हुई रहती है, कई बार ये देखा गया है ये गल जाती है, डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो एग तो बन रहा है, एग भरपूर बन रहा है, खूब एग बन रहा है, बढ़िया एग काउंट है, स्पर्म काउंट और एग काउंट चेक किया जाता है। जो महिला, जो पुरुष माँ बाप नहीं बन पाते, एग काउंट तो बहुत बढ़िया है। अब सारी प्रॉब्लम कहाँ आती है? मैक्सिमम चांसेस जो है या मैक्सिमम केसेस है जिसमें महिला माँ नहीं बन सकती, वो सारे केसेस फलोपियन ट्यूब के आते हैं सबसे ज्यादा। तो फलोपियन ट्यूब खराब है, अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से कई बार जो है बच्चा जो है वो डेवलप ही नहीं हो पाता। अब पहली प्रक्रिया यहीं पे, स्पर्म और एग मिलता कहां पे है? फलोपियन ट्यूब के अंदर। तो फलोपियन ट्यूब के अंदर इनका क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। एग बनेगा, मतलब गैमेट बनेगा, भ्रूण बनेगा, ठीक है। तो गैमेट बनता है, भ्रूण बनता है, ठीक है, गैमेट बनता है, भ्रूण बनता है, क्या इतनी बात समझ में आई? फिर ये क्या होता है, ये यहां आ जाता है, फिर ये यहां पे आ जाता है, ठीक है। ये आपका यूट्रस में आ जाता है, ठीक है। तो जब वो गैमेट बन जाता है, फिर वो कहां आ जाता है बेटा? यूट्रस में आ जाता है, फिर वो यूट्रस में आ जाता है, यहां आ जाता है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपका यूट्रस है, ये आपका यूट्रस है। फिर वो बच्चा यूट्रस में आ जाता है और वो 9 महीने तक वो यहीं पे रहता है, ठीक है। तो बात ये है कि इसको यहां से यहां आना बहुत जरूरी है। अगर ये यहां से यहां नहीं आया तो मामला खत्म है। यूट्रस में आने के बाद इतनी दिक्कत नहीं होती, सारी दिक्कत है फलोपियन ट्यूब की। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि भाई जो यूट्रस होता है उसका काम क्या होता है, अब यूट्रस क्या करेगा बच्चों? माँ का जो पेट होता है, इसको पेट हम लोग बोल देते हैं कि मेरे पेट में बच्चा है। तो आप लोगों से अगर कोई पूछे कि भाई यूट्रस क्या होता है, तो यूट्रस को आप पेट बोल देते हो, यूट्रस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चा दानी भी बोल देते हैं, शुद्ध भाषा में तो बच्चे दानी बोल देते हैं, ठीक है। वैसे गर्भाशय बोलते हैं, वॉम्ब।
ये क्या करता है, ये किसी भी भ्रूण का, किसी भी युग्मज का डेवलपमेंट करता है। तो हम यहां बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय। क्या बोलेंगे बेटा? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय। इसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय। ठीक है, इसमें बोलेंगे हम लोग भ्रूण का निर्माण या युग्मज का निर्माण। क्लियर है? तो 9 महीने तक कोई भी महिला, 9 मंथ तक, 9 महीने तक कोई भी महिला जिस जगह अपने बच्चे को रखती है उसे हम लोग यूट्रस बोलते हैं, जो कि इलास्टिक होता है। ठीक है, इलास्टिक होता है बहुत ज्यादा, जो कि एक गुब्बारे की तरह फूल सकता है और फेफड़ों तक पहुंच जाता है फूल के। इसीलिए महिलाओं को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब आगे मैं बढ़ती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ने के बाद मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है, बच्चों पीरियड्स क्यों होते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि पीरियड्स क्यों होते हैं, मेंसुलेशन साइकिल क्यों होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के अंदर ना एक क्या कहते हैं, बहुत सारे बच्चों के अंदर ये होगा कि भाई पता नहीं क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, क्या कारण है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होगी। चल रही है कि नहीं चल रही है? बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही है। अब जो बात मैं बताने वाली हूं वो सुन लेना ध्यान से। सुनोगे नहीं सुनोगे? हाँ बेटा, फ्लोपियन ट्यूब दो होती है, एक एक जगह होती है, एक एक जगह होती है। ठीक है, लेकिन दोनों का सही होना बहुत जरूरी होता है। यादव जी बिल्कुल गलत है, फ्लोपियन ट्यूब दो होती है बेटा। यस, अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं यूट्रस की लेयर की। ठीक है, गर्भाशय की लेयर की बात करती हूं मैं। यहां पे यूट्रस की लेयर नहीं है, एक सेकेंड, ये रही। ठीक है, लेयर ऑफ यूट्रस। ठीक है, गर्भाशय की कितनी परतें होती है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। गर्भाशय की परत, तो बच्चों गर्भाशय की 3 परत होती है। तीनों के नाम बता सकते हो? गर्भाशय की 3 परत होती है, तीनों के नाम बता सकते हो? बताओ। बताओ बेटा। देखो यहां पे, देखो यहां पे आ जाओ, ये देखो 3 लेयर होती है। एक होती है वो आपकी एंडोमेट्रियम। क्या होती है बच्चों? एक आपकी एंडोमेट्रियम होती है। ठीक है, एक होती है आपकी मायोमेट्रियम। ठीक है, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। ठीक है, एक होती है आपकी पेरीमेट्रियम। ठीक है, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है। ठीक है, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भाई ऐसी कौन सी लेयर होती है, ऐसी कौन सी लेयर होती है जो बाहर वाली होती है, अंदर वाली होती है, पूछा जाता है। और एक बच्चे का क्वेश्चन था फिलोपियन ट्यूब दो होती है बेटा, एक इस साइड होती है और एक इस साइड होती है, दोनों ट्यूब होती है। इसी तरह से यहाँ ओवरी होती है, ये ओवरी होती है। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि एंडोमेट्रियम कौन सी होती है, तो अंदर वाली, इनर वाली। तो इनर कौन सी होती है? इनर, इनर वाली अंदर वाली होती है आपकी एंडोमेट्रियम, ये होती है आपकी इनर।
ठीक है, आपसे पूछे मायोमेट्रियम कौन सी होती है, तो आपकी बीच वाली, जो बीच की होती है, बीच की, बीच जो मिडल की होती है वो आपकी मायोमेट्रियम होती है, जो मिडल वाली होती है मायोमेट्रियम होती है। देखो देखो, ये वाली जो ये वाली लेयर है, ये वाली वो आपकी एंडो है, जो ये बीच वाली है आपकी मायो है, और ये जो बाहर वाली है, ठीक है, ये आपकी पेरिमेट्रियम। पेरिमेट्रियम क्या होती है, आउटर होती है, बाहर वाली होती है, बाहर वाली होता है, आउटर होती है, ठीक है। अब बच्चों आप लोगों से पूछा जाए कि भाई पीरियड्स क्यों होते हैं, व्हाई आपसे पूछा जाए पीरियड्स क्यों होते हैं, मेंसुरेशन साइकिल क्यों होती है, ठीक है, तो आपसे बता देते हैं कि जो एमसी होती है, एमसी मेंसुरेशन साइकिल जिसको हम लोग बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, मेंसुरेशन साइकिल बोल रहे हो, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं, ठीक है, वो क्यों होती है, जल्दी बताइए, मैथ्स दिमाग में आ गया था, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, बताओ भैया, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मासिक धर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं मासिक धर्म, ठीक है, तो वो होती है बच्चों 13 से लेके 14 साल की उम्र में हो जाती है। क्यों होती है, किस लिए होती है, इसके बारे में बात करते हैं बच्चों। 13 से लेके 14 साल में होती है, क्यों, क्योंकि पीरियड्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। पीरियड्स क्यों होते हैं, इसके लिए हार्मोन के बारे में मैं बात बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैं अब आपको कुछ बताने वाली हूँ, ठीक है। अब जो अनफर्टिलाइज एग होते हैं वो ब्लड इन द फॉर्म ऑफ ब्लड बाहर निकल जाते हैं, ऐसा भी बोला जाता है मेंसुरेशन साइकिल को, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से बात की जाए कि ये क्या होता है, तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, दिव्या बिल्कुल सही है, अनप्रोडक्टिव एग प्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, ठीक है, रेनू ये अलग अलग है कि ओवरी की जब सिस्ट होगी कुछ फीमेल को पेन होगा, कुछ फीमेल को पेन नहीं होगा, ये अलग अलग है सबका, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, पहली बात तो सारे बच्चे सेशन को लाइक और शेयर करो, ठीक है, तो कम से कम भाई 4,500 लाइक हो जाने चाहिए, उसके बाद तो कुछ बात बनती है कि कुछ प्रोडक्टिविटी है तुम्हें पढ़ाने की यहाँ पे, ठीक है। देखो आप ध्यान से सुनो, यहां पे बात की जाए तो बच्चों, जब किसी को मेंसुरेशन साइकिल होती है, जब किसी को मेंसुरेशन साइकिल होती है, ये जो आपकी एंडोमेट्रियम है, ये जो आपकी क्या कहते हैं एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम कौन सी है, एंडोमेट्रियम कौन सी लेयर होती है, क्या लिखा हुआ है वहां पे, देखो इनर लेयर जो होती है आपकी, इनर लेयर, ठीक है, इनर लेयर आपकी जो आंतरिक, आपकी जो आंतरिक परत होती है बेटा, ठीक है, वो जब टूटती है तो वो अनफर्टिलाइज एग को बाहर निकालती है, ठीक है। ये एंडोमेट्रियम जब टूटती है, टूटना, ठीक है, ये जब क्या होती है, ब्रेक होती है, तो ये क्या करती है, ये आपके अनफर्टिलाइज्ड एग को क्या निकाल देती है, बाहर निकाल देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एमसी, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक धर्म। किसी को समझ में नहीं आया तो मैं बताती हूँ बच्चों, पीरियड्स के टाइम पे पेन होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ बेटा, यहाँ देखो क्या होता है, देखो अब देखो 13 से लेके 14 साल की उम्र में एग रिलीज होना शुरू हो गया। अब आप लड़की की शादी कर सकते हो, लेकिन आपने किसी लड़की की शादी की 24 साल की उम्र में, अब 24 साल तक तो उसके एग वेस्ट ही हो रहे हैं ना भाई, सीधी सी बात है, माँ नहीं बन पा रही, वेस्ट ही हो गए, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि पूरी जिंदगी वो माँ ही बनती रहेगी, मतलब ये है कि वो एग इकट्ठा ना हो एक जगह, वो रिलीज हो, नया बने, रिलीज हो, क्योंकि कई बार एग इकट्ठे होने से सिस्ट के कारण भी बनते हैं। एग अगर एक जगह इकट्ठा होता रहता है, बाहर रिलीज नहीं होता, तो ये सिस्ट का सबसे बड़ा कारण बनता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, एग बाहर निकालने कैसे निकालेंगे, तो एग नीचे की तरफ यूट्रस की तरफ आएंगे, वजाइना से बाहर कैसे निकलेंगे, ये जो आपकी एंडोमेट्रियम लेयर होती है यूट्रस की, ये टूटती है, और ये टूटती है तो टूटने से ब्लीड होती है, टूटने से रक्त आता है, और उस रक्त के साथ, उस खून के साथ आपके अनफर्टिलाइज्ड एग, अनिषेचित अंडे भी बाहर निकल जाते हैं, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और पीरियड्स में दर्द होने का कारण ये है कि अगर आप किसी चीज का कचुंबर बनाएंगे, सपोज करो ये यूट्रस है, ये ऐसे ही यूट्रस होता है आपका, ये तो फैलता बाद में है क्योंकि ये तो इलास्टिक है, तो ये क्या होता है, ऐसे होता है,
जब आप किसी चीज को क्रंच करोगे, किसी चीज को क्रश करोगे, तो किसी चीज को दबाओगे, क्रश करोगे, कोई चीज बार बार ऐसे ऐसे हो रही है तो क्या बनता है, उसमें पेन बनेगा, जिसकी वजह से महिलाओं के पेट में उस टाइम पे दर्द होता है। ठीक है, पेन होने का कारण भी यही होता है। क्लियर है? अब आपसे कोई पूछने लग जाए कि किसी भी महिला के फर्स्ट पीरियड कब आते हैं, अगर पूछा कोई भाई कुछ पूछने लग जाए कि किसी भी महिला के फर्स्ट पीरियड कब होता है, तो फर्स्ट पीरियड को क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछा गया, हर जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट पीरियड किसे कहते हैं, फर्स्ट पीरियड किसे कहते हैं, लास्ट पीरियड किसे कहते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो। बच्चों पहले मासिक धर्म को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए, फटाफट से क्वेश्चन बताइए, पहले मासिक धर्म को क्या कहते हैं। दूसरी बात बताइए, आखिरी मासिक धर्म को क्या कहते हैं। फटाफट से बताइए। देखिए पहले मासिक धर्म को हम लोग मेनार्के बोलते हैं, मेनार्के। क्लियर है? अब आखिरी वाले को तो आपको पता है, नॉर्मली आपने ये वर्ड सुना भी होगा, मेनोपॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। आखिरी वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। हिंदी में भी लिख देती हूँ, सेम ही है, बहुत सारी चीजें हिंदी इंग्लिश में सेम होती है, तो नहीं लिखती हूँ कई बार तो समझ जाएगा। ठीक है, ये जो पहले वाला होगा ये होगा 13 से लेकर 14 साल की उम्र में, और ये आपका मैक्स 55 साल की उम्र में। हालांकि अगर आज के हिसाब से बात की जाए तो 40 की एज से ये शुरू हो जाता है, 40 की एज से स्टार्ट हो जाता है कुछ लोगों में, कुछ कुछ में, ज़्यादा में नहीं, मैक्सिमम 55 है, 55 मैक्स है। ठीक है, 55 से 65 एज में मान लो तो ये एज मैक्सिमम होते हैं, इस एज तक पीरियड्स होने बंद हो जाते हैं। ठीक है, जब आपके पीरियड्स होने बंद हो जाएंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एग काउंट भी कम हो रहा है। क्लियर है? ऐसा कुछ नहीं कि नमक खाने से मासिक धर्म ज्यादा होते हैं, इस चीज से होते हैं, जो नॉर्मल है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे की बात करें तो हम आगे यहाँ पे बहुत सारी बातें करने वाले हैं, जैसे सेकेंडरी सेक्स हार्मोन क्या होता है, इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हाँ, तो बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंडरी सेक्स हार्मोन्स की। तो सेकेंडरी सेक्स हार्मोन्स कौन से होते हैं, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। तो सेकेंडरी सेक्स हार्मोन में सबसे पहला हार्मोन जो होता है वो एस्ट्रोजन होता है, और दूसरा जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन होता है। तो बच्चों आपसे पूछा जाता है, मैंने बताया था ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है जिसे आपको ध्यान देना है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या काम होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या काम होता है। और सेशन को लाइक और शेयर करते हुए बनना है, फिर अगला पार्ट हम ब्रेन का पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, हाँ, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि कुछ कुछ फीमेल ऐसी होती है जो 20 साल की हो गई है लेकिन उनको पीरियड्स ही नहीं आ रहे, इसका बहुत बड़ा कारण क्या है। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, एस्ट्रोजन हार्मोन की मैं बात करूं, बहुत सारे बच्चों की मैंने बहुत बातें सुनी, तो अब मैं बताऊंगी होता क्या है, क्यों कितने बहुत लोगों को नहीं आते हैं, मैं आपको बताती हूँ। बच्चों ये एक ऐसा हार्मोन है, अगर किसी लड़की के अंदर रिलीज नहीं होगा तो सामाजिक रूप पे वो पूरी तरह से फीमेल नहीं है। देखो सामाजिक रूप पे वो पूरी तरह से फीमेल नहीं है। देखो एक होता है बाहरी रूप से किसी का फीमेल दिखना, एक होता है अंदर से फीमेल होना। ठीक है, ये अंदर से फीमेल होना है आप ऐसा कुछ मान सकते हो। बाहरी रूप से फीमेल होने का मतलब यह है कि उसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसके पास में है, जो फीमेल कहलाने लायक ऑर्गन अंग होते हैं वो उसके पास में है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो उसे फीमेल कहा जाएगा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कह सकते हो जो एक्चुअल में उसे फीमेल बनाता है, अब वो फीमेल एक्चुअल में है, उसके लिए आपका एस्ट्रोजन हार्मोन निकलना बहुत जरूरी होता है। अब जिन लड़कियों को पीरियड्स नहीं होते हैं उनका एस्ट्रोजन हार्मोन अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। जैसे लड़कों के अंदर अगर स्पर्म रिलीज ना हो तो,
तो क्या कारण हो सकता है? तो ऑब्वियसली बात है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काम ही नहीं कर रहे हैं उनके अंदर। इसी तरह से एस्ट्रोजन हार्मोन होता है बच्चों, ये क्या करता है, फर्टिलाइजेशन हार्मोन, निषेचन हार्मोन इसको बोला जाता है, ठीक है, डेवलप रिप्रोडक्टिव पावर, प्रजनन शक्ति को विकसित करता है, वॉइस को चेंज करता है, आवाज में बदलाव करता है, ठीक है, ब्रेस्ट के आकार को बदलता है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है, ब्रेस्ट के आकार को बदलता है, बहुत सारी इसके बारे में बोला जाता है, ठीक है। तो पहली बात, फर्टिलाइजिंग हार्मोन है, निषेचित हार्मोन है, डेवलपमेंट करता है, रिप्रोडक्टिव पावर बढ़ाता है किसी भी महिला की, वॉइस में चेंज करता है, ब्रेस्ट में चेंज करता है, और यहाँ पे देखिएगा मेंसुरेशन साइकिल, अगर किसी मेंसुरेशन, मैथ्स का बड़ा आता है मेरे बार बार दिमाग में, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, मासिक धर्म जो होता है, ठीक है, वो किसी के अंदर अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हुआ है। तो सबसे पहली बात, किसी महिला का माँ बनना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए भाई आपका एस्ट्रोजन हार्मोन निकलना जरूरी है, क्योंकि किसी महिला के अंदर जब एस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा तो कहीं ना कहीं तभी आपका ओव्यूम प्रोड्यूस होगा, कहीं ना कहीं तभी आपका अंडाणु बनना शुरू होगा, ठीक है। कितनी बात समझ में आई, क्लियर है? तो ओव्यूम प्रोड्यूस करने का काम भी यही करता है। तो ओव्यूम को प्रोड्यूस कौन करता है, पैदा कौन करता है बच्चों, अगर ये बताओ, अंडा ही पैदा नहीं होगा तो स्पर्म चाहे रिलीज भी हो जाए, बच्चा कैसे पैदा हो जाएगा, बताओ? क्लियर है? क्लियर है? हाँ, पीरियड्स लेट क्यों होते हैं बेटा? पीरियड्स लेट होने के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, या फिर बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस सबसे बड़ी बात होती है। दूसरी बात होती है कि आप डाइट क्या ले रहे हो, कैफीन ज़्यादा ले रहे हो, ठीक है, आप चाय कॉफ़ी बहुत खाना, या आजकल का फास्ट फूड, मैदा, ये सबसे ज़्यादा जो है हमारे कहीं ना कहीं हार्मोन्स को क्या कर रहा है, इम्बैलेंस कर रहा है। तो वॉइस में बदलाव आएगा, ब्रेस्ट के साइज बढ़ेगा, डेवलपमेंट के लिए होता है, ओव्यूम को प्रोड्यूस करता है, मेंसुरेशन साइकिल करेगा, यानी कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है हमारी लाइफ में। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, कोई बताएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? बहुत बढ़िया काम करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब क्या है कि स्पर्म जो है वो एग से मिल गया है, बच्चा बन गया है, अब बच्चा यूट्रस में चला गया है, ठीक है, स्पर्म जो है वो एग से मिल गया है, और अब हमारा स्पर्म जो है वो एग से मिल गया है, ठीक है, अब क्या बन गया है बच्चों, बच्चा बन गया है, ठीक है, यानी जायगॉट बन गया है। अब ये जायगॉट जो है वो कहाँ जाएगा, जायगॉट जो है वो कहाँ जाएगा, यूट्रस में जाएगा। अब कैसे जाएगा, अब तो देखो ध्यान से सुनो, हेल्पफुल इन प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी में मददगार होता है, यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, वो क्या करता है, हेल्प करता है। दूसरी बात ये है कि फलोपियन ट्यूब की जो लंबाई होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है, जैसे ओविडक्ट बोलते हैं, ये फलोपियन ट्यूब, ये जो फलोपियन ट्यूब होती है इसकी जो लंबाई होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। कंडक्ट फर्टिलाइजेशन, ये निषेचन का संचालन करती है, किसका संचालन करती है बेटा, निषेचन का संचालन करती है, ये फर्टिलाइजेशन करने में मदद करती है। अच्छा ठीक है, वो माँ बनने के लिए तैयार है, स्पर्म एग से भी मिल गया, लेकिन अब बच्चा फर्टिलाइज कैसे होगा, इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपका सबसे ज्यादा मदद करता है। क्लियर है, बोलो हाँ के ना? दूसरी बात ये है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात ये है, ठीक है, देखो एग जो होगा वो स्पर्म के साथ मिलेगा, जायगोट एम्ब्रॉय युग्मज भ्रूण बनेगा, पहली बात ये, ठीक है, इट कनेक्ट ओवरी टू यूट्रस, अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ता है, फलोपियन ट्यूब के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, ये सब फलोपियन ट्यूब के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे एक बात और करनी है मुझे, यहाँ पे फलोपियन ट्यूब के बारे में बात कर रहे थे, यूट्रस के बारे में बात हो गई हमारी, ओ ओ ओ ओ बीच में गायब हो गया थोड़ा सा गायब हो गया आपका, थोड़ा सा तो मिसप्लेस हो गया थोड़ा सा आपका, ठीक है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बच्चे के अंदर जो प्लेसेंटा बनती है, एक काम और करता है ये, ठीक है, तो बच्चे के अंदर जो प्लेसेंटा बनती है उस वो कौन बनाता है, ठीक है, इट स्टिमुलेट क्या स्टिमुलेट करवाता है, इट स्टिमुलेट यूट्रस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जायगॉट, इट स्टिमुलेट यूट्रस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट,
क्या है ये, ठीक है, एंड प्लेसेंटा, ठीक है, ये क्या करता है बच्चों, गर्भाशय में प्लेसेंटा और युग्मज का निर्माण करता है, ठीक है, गर्भाशय, चलिए भाई गर्भाशय, तो गर्भाशय में डेवलपमेंट किसका होता है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है। प्लेसेंटा किसके लिए जरूरी होती है, कोई बताएगा, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से क्वेश्चन आया था आपके एनटीपीसी के एग्जाम, एनटीपीसी नहीं, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, गर्भाशय में, ठीक है, ये जो अभी हुआ था, गर्भाशय में प्लेसेंटा और युग्मज का निर्माण करता है, किसका करता है, और ठीक है, युग्मज का और युग्मज का निर्माण करने में मदद करता है, निर्माण करने में मदद करता है। कैसी बात समझ में आई, क्लियर है, ठीक है। जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, जायगोट का विभाजन होता है। अब आपसे कई बार पूछा जाता है कि प्लेसेंटा क्या काम करता है, ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है कि प्लेसेंटा क्या काम करता है, प्लेसेंटा किस लिए होता है, आपसे पूछा जाए प्लेसेंटा किस लिए होता है, बताइए, जब आपसे पूछा जाए प्लेसेंटा किस लिए होता है, तो किस लिए होता है प्लेसेंटा, बच्चों भ्रूण में पोषण प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, भ्रूण में पोषण, गिव न्यूट्रिशन टू एम्ब्रॉय, इतनी बात समझ में आई, बोलो हाँ के ना, ट्रांसजेंडर को कभी पीरियड्स नहीं हो सकते बेटा, क्योंकि ट्रांसजेंडर के अंदर यूट्रस नहीं होता, ट्रांसजेंडर को कभी नहीं होगा, ट्रांसजेंडर को यूट्रस नहीं होता है बेटा, इसलिए नहीं हो सकता है, ट्रांसजेंडर को नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसजेंडर के पास यूट्रस नहीं होता है, यस, ओवरी के अंदर जो सिस्ट होती है वो रिप्रोडक्शन में बाधा पैदा करती है, यस करती है, रिप्रोडक्शन में नहीं करेगी लेकिन बच्चे के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले भाई, सारे के सारे बच्चे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, फटाफट से चैनल को सारे के सारे बच्चे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अब कितने बच्चे नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना चाहेंगे, सारे बच्चे सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चले। हितेश ने बोला ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है बेटा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन अगर किसी गे के अंदर रिलीज हो जाए, ठीक है, किसी गे के अंदर अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हो जाए तो बेटा वो फिर उसके अंदर जो फीलिंग्स होंगी वो लड़कियों वाली होगी, उसके अंदर जो फीलिंग्स होगी वो लड़कियों वाली होगी, लड़के वाली फीलिंग नहीं रहेगी। पहले सारे बच्चे सेशन को लाइक और शेयर करो, फटाफट से लाइक और शेयर करो, अब आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो खत्म हो चुका है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो खत्म हो चुका है, पीसीओडी बहुत, फिर वो एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है बेटा, पीसीओडी के बारे में बताना इट्स लाइक अ डिफरेंट टॉपिक, ठीक है, पीसीओडी के बहुत सारे कारण होते हैं, मतलब नॉर्मल सी बात है, पीसीओडी के बहुत सारे कारण होते हैं, किस दिन इसके टॉपिक के बारे में भी लेके आऊँगी मैं बात, मुझे लेके भी आनी है पीसीओडी के बारे में, ठीक है।
पॉजिटिव नेगेटिव तो आरएच फैक्टर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव इसमें कोई लेना देना नहीं होता, आरएच फैक्टर में होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे, नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या होता है नर्वस सिस्टम बताइए? आइए बच्चा देखिए, अब हम बात करते हैं ब्रेन के बारे में, ब्रेन के वेट के बारे में। ठीक है, पूरी की पूरी बात करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है बेटा, जैसे बताइए तंत्रिका तंत्र क्या होता है? क्या होता है बेटा तंत्रिका तंत्र? ओके है बेटा साउंड, तो वो तो जानबूझ के बीच में बंद की थी। क्या होता है तंत्रिका तंत्र बच्चों? ब्रेन, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों को मिला के, मेरु रज्जु, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? तंत्रिका तंत्र बनता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होते हैं बच्चों? आप सोचते हो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हड्डी है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होते हैं बच्चों? नर्व्स होते हैं, नर्व्स। ठीक है, नर्व होती है, नर्व, या मैं बोल दूं नसों का एक जाल, नसों का एक जाल जो आपके ये यहां से लेके यहां के हिस्से तक फैली रहती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। अगर आपका हाथ जल जाए तो आपको सिग्नल मैसेज कौन करेगा? स्पाइनल कॉर्ड करेगा। ठीक है, बाकी नॉर्मल चीजों के लिए तो हमारा दिमाग बैठा ही है, जिसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आइए, आपसे कोई पूछे स्टडी ऑफ ब्रेन, ब्रेन के वेट के बारे में बात करूं, मस्तिष्क के वजन के बारे में बात करूं, तो मस्तिष्क का वजन क्या होता है? फटाफट से बताइए मस्तिष्क का वजन क्या होता है बेटा? मस्तिष्क का जो वजन होता है, ठीक है, वो होता है आपका फीमेल का, महिला का जो होता है बच्चों वो होता है 1350 ग्राम, मेल का जो होता है वो होता है 1450 ग्राम। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए मेल फीमेल की बात की जाए, ठीक है, मेल फीमेल की बात की जाए तो मेल का जो वेट होता है वो आपका होता है 1450, फीमेल का जो होता है बेटा वो होता है आपका 1350। ठीक है, तो इनमें रीजंस क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। इनमें सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? पुरुषों के शरीर का आकार महिलाओं के मुकाबले ज्यादा होता है, इसलिए इनके जो दिमाग का वजन होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो महिलाओं का ऑब्वियस सी बात है शरीर का आकार जो होता है वो पुरुषों के मुकाबले कम होता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता शोभा, हैप्पी बर्थडे बेटा, तुम जियो अच्छा और स्वस्थ। ठीक है, हजारों साल जीने से बेहतर है इंसान स्वस्थ जिए, वो सबसे बढ़िया है। ठीक है, अब आगे चलो, अब एक बीच में बच्चा आ रहा है, रवि बोलता है आई लव यू शोभा। अरे भाई साहब, मतलब ये कौन से पुराने जमाने के प्यार में तुम टिके हुए हो? यहाँ पे ना आधे से ज्यादा पढ़ने से ज्यादा मैंने एक चीज नोटिस की है, कमेंट में आशिक की बाजी ज्यादा चलती है ना। घर वालों को क्या लग रहा होता है? घर वालों को उस टाइम पे लग रहा होता है अरे मेरा बेटा तो पढ़ रहा है, ऑनलाइन स्टडीज कर रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, और इनका चलता क्या है, ये पढ़ते पढ़ते बीच में चैट करते हैं। तो भैया अपने चैट को पब्लिक मत करो, ठीक है, तो जो चीजें वो वहीं तक ही रहने दो। ठीक है, हालांकि उनका है या नहीं है वो मुझे नहीं पता आपस का, लेकिन मैंने ऐसा देखा है। ठीक है, तो मेल का आकार ज्यादा होता है, फीमेल का आकार कम होता है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए दिमाग किसमें ज्यादा होता है तो आप क्या बोलोगे? अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि दिमाग किसके अंदर ज्यादा होता है तो आप लोग क्या बोलोगे? दिमाग किसके अंदर ज्यादा होता है, क्या बताओगे? दिमाग किसके अंदर ज्यादा होता है? तो ऑब्वियसली बात है ज्यादातर संख्या यहाँ पे लड़कों की होगी पढ़ने वाली। ठीक है, और आप बोलोगे कि नहीं मैम लड़कों में ज्यादा दिमाग होता है। ठीक है, तो बच्चों जो दिमाग होता है वो लड़कों में ज्यादा नहीं होता, दिमाग का वजन ज्यादा होता है, वजन
वेट ज्यादा होता है, और ऐसा बोला जाता है जिसकी मतलब दिमाग जितना ज्यादा, वजन जितना ज्यादा होगा उसकी बुद्धि उतनी ज्यादा मोटी होगी, और दिमाग का वजन जितना कम होगा उसकी जो बुद्धि होगी यानी जो ब्रेन होगा वो शार्प होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसके हिसाब से देखो तो लड़कियों में दिमाग ज्यादा होगा, है ना, लड़कियों का दिमाग शार्प होता है बेटा। और आपने देखा होगा, एक बात और मैं बताना चाहूंगी, एक चीज और होती है, एक चीज क्या होती है देखो, जैसे कभी भी कोई लड़ाई हो, सपोज करो कोई एक्स वाई जेड लड़ाई हो रही है, किसी की लड़ाई किसी के साथ हो रही है, ठीक है, और लड़की तुरंत बोलेगी अच्छा तुमने उस दिन ऐसा कहा था, फिर भी मैं उस दिन गुस्सा नहीं थी, तुमने एक दिन ऐसे और किया था, उस दिन जब हम माल लिफ्ट में जा रहे थे ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे जा रहे थे, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था। लड़का कहेगा यार कब की बात है, मतलब उन्हें तो कल के दिन का तो याद नहीं रहता, 15 दिन और 1 महीना और 2 महीने पहले वाला तो जब बताएगा, है ना, लेकिन लड़कियों को याद रहता है। तो इसका एक साइंटिफिक कारण है जो मैं आगे चल के बताऊंगी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा, नेवर पॉसिबल तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर तुम ये कहते हो कि लड़कियों में दिमाग कम होता है तो बेटा तुम्हें पैदा करने वाली तुम्हारी माँ ही है, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, स्टडी ऑफ ब्रेन की अगर मैं बात करूं, कहते हैं मैं पैदा करने से दिमाग का क्या लेना देना है, भैया पालन पोषण तुम्हारा तुम्हारी माँ ने किया, पिताजी ने नहीं किया, पिताजी तुम्हें एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन परवरिश जो तुम्हारी की है वो तुम्हारी माँ ने ही की है। तो कहीं ना कहीं ब्रेन है, दिमाग है, परवरिश कर रही है, टाइम पे खाना दे रही है, तुम्हारा इतना बड़ा शरीर कर दिया तुम्हारा ये है, समझ रहे हो। देखो स्टडी ऑफ ब्रेन की बात करें, मस्तिष्क के अध्ययन की बात करें, तो स्टडी ऑफ ब्रेन न्यूरोलॉजी कहलाया जाता है, तंत्रिका विज्ञान इसको कहलाया जाता है, ठीक है। तो न्यूरोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ ब्रेन होता है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ये आ जाता है कि जो पूरी बॉडी हमारी होती है, पूरी ह्यूमन बॉडी होती है, उसका सबसे जो बड़ी सेल होती है वो कौन सी होती है, यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमारे आते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आप लोगों से बोलूं, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि अगर मैं स्टडी ऑफ ब्रेन क्या बोलती हूँ, मैं देखो ध्यान सुनो, अगर मैं स्टडी ऑफ ब्रेन न्यूरोलॉजी बोलती हूँ, ठीक है, स्टडी ऑफ ब्रेन न्यूरोलॉजी बोलती हूँ, तो यहाँ पे बात आ जाती है कि शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है। अगर ह्यूमन सेल की मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, वैसे हम ब्रेन पढ़ रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन सेल की मैं बात करूं, ठीक है, मानव कोशिका की मैं बात करूं, जो जितने भी हमारी मानव की कोशिका होती है उसमें सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ह्यूमन सेल की मैं बात करूं, मानव कोशिका की मैं बात करूं, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, उससे छोटी कौन सी होती है। तो तीन तरह की कोशिकाएं होती है, देखिए ध्यान से, एक होती है स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका और लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, मानव शरीर की सबसे, ये बड़ी होगी ना, ये लंबी होगी, लंबी कोशिका। बेटा कुछ लोग तो इतने मूर्ख होते हैं कि वो लंबी और बड़ी एक साथ पढ़ा देते हैं, जिससे बच्चों के एग्जाम में नुकसान बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। हाँ संदीप ने बोला इंजेक्शन के बारे में लास्ट में बताएंगे, मुझे पता है कैंसर के इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे हो ना। हाँ ध्यान से सुनो, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे पहुंच गए, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड तो एक अलग ही चीज होगी, ब्रेन के अंदर पाई जाती है, मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है, सबसे छोटी ग्रंथि कहा जाता है अगर पीनियल ग्लैंड आपके, ठीक है, एग्जाम में ना दिया हो तो पिट्यूटरी को हम देते हैं। फिर पिट्यूटरी जो है वो हमारी मास्टर ग्लैंड होती है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन निकालती है, ठीक है, मेरा बहुत बढ़िया हाल है,
ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक और शेयर करो भाई, कम से कम 5000 लाइक होने चाहिए, बहुत बहुत बढ़िया सेशन बताने वाले भाई, कम से कम 5000 लाइक तो हो जाने चाहिए, करोगे 5000 लाइक? बच्चे ने बोला थोड़ा जूम कर दो, ठीक है। हाँ, ये जो आप मेल फीमेल वाला 22x या 22y करते हो, इसमें एक सेल चैप्टर होता है नटखट लड़का, सेल चैप्टर में मियोसिस और मिटोसिस पढ़ाया जाता है, उसमें आपको बताया जाता है कोशिका का विभाजन कैसे होता है, सेल डिवीजन में ये चीजें समझाई जाती है बेटा। तो एक सेशन नटखट बालक सेल डिवीजन का लेके आएंगे और सेल डिवीजन में मैं बताऊंगी ये क्या होता है, तो ये चीजें सेल डिवीजन में पढ़ाने की है। नॉर्मली क्या होता है, 22x का मतलब होता है ऑटोजोम, ठीक है, एक्स नहीं होता वो, सिर्फ 22 होता है, 22 ऑटोजोम, ऑटोजोम मतलब जो ऑटोमेटिकली क्रोमोजोम तुम्हारे अंदर आने हैं, और दो होता है आपके सेक्स क्रोमोजोम, ठीक है, एक्स एक्स या फिर एक्स वाई, और पेयर में एक होते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, स्मॉलेस्ट सेल के बारे में बात करूं तो ओव्यूम जो अभी आपको पढ़ाया, ओव्यूम जो अभी आपको पढ़ाया, ओव्यूम जिसको बोलते हैं हम लोग अंडाणु, अंडाणु जो होता है, अरे 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 अरे, स्मॉलेस्ट सेल की मैं बात करूं तो अभी आपको मैंने पढ़ाया स्पर्म, तो स्पर्म जो होता है, जो शुक्राणु होता है, वो क्या होती है बेटा आपकी स्मॉलेस्ट सेल होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है। और लार्जेस्ट सेल की बात करूं मैं, सबसे बड़ी कोशिका की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है आपकी ओव्यूम, अंडाणु, मानव शरीर के अंदर अंडाणु कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। देखो यहाँ पे शब्द देखो, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, ठीक है, सबसे छोटी, ठीक है, सबसे बड़ी, लार्जेस्ट, अब आगे लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट का मतलब क्या होता है, लंबी होती है, तो सबसे लंबी मानव शरीर की जो कोशिका होती है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं आप लोगों की न्यूरॉन, क्या बोलते हैं बेटा, न्यूरॉन, या फिर हम लोग बोलते हैं नर्व कोशिका, नर्व कोशिका, कहती बात समझ में आई, क्लियर है, पक्का? बोलो हाँ के ना रेनु, इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत जरूरी है। शिवानी कूल ने बोला कि डिप्रेशन क्यों बनता है बेटा, डिप्रेशन बनने का एक सबसे बड़ा कारण होता है कि हम किसी चीज की ना कुछ आस ज्यादा ही लगा बैठते हैं, और जब वो हमें मिलता नहीं है तो फिर हम क्या होता है, धीरे 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 डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं, ठीक है, कहती बात समझ में आई। PPLO जिसको बोलते हैं बच्चों, वो होता है माइकोप्लाज्मा गैलेक्सपेक्टम, ठीक है, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलेक्सपेक्टम जो कि बैक्टीरिया की होती है, फिर PPLO आप उसको बोलते हो, यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हो, ह्यूमन की पढ़ रहे हो, तो यही सबसे बड़ी गलती तुम एग्जाम में करने वाले हो, एग्जाम में तुम क्या करने वाले हो बच्चों, एग्जाम में तुम क्या करने वाले हो, एग्जाम में तुम क्या करोगे, सबसे छोटी कोशिका पूछी, अब तुम्हें तो सबने क्या पढ़ा है, PPLO सबसे छोटी है, माइकोप्लाज्मा गैलेक्सपेक्टम सबसे छोटी है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, तुरंत क्या करोगे, गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। अनुज ने बोला है कि कमेंट्स पर भी ध्यान दो, बेटा कमेंट्स पे भी ध्यान दे रही हूँ, और बताओ कमेंट्स पे, जो जेन्युइन कमेंट है मैं उनको ले लेती हूँ, जो अनजेन्युइन कमेंट है तो उनको मैं क्या करूं बताओ, ठीक है। रिलैक्सेशन हार्मोन के बारे में आपके ग्लैंड्स के चैप्टर में पढ़ाया जाता है, वो आपको रिलैक्स करने का काम करता है, ठीक है। अब एक बच्चा बार बार बोलेगा कमेंट में भी ध्यान दो, अरे भैया जो तू इतनी बार मैसेज कर रहा है कि कमेंट में भी ध्यान दो, इससे बेटर है कि तू अपने क्वेश्चन को भेजो, इतनी बार अपने क्वेश्चन को भेजता है तो अब तक तो बेटा मैं देख ही लेती, ठीक है। मैम CGL के लिए साइंस इतना पढ़ना काफी है क्या, जी हाँ साइंस इतना पढ़ना काफी, और जितने बड़े धुरंधर ये सोच रहे हैं अरे मेरे को क्या करना है साइंस पढ़ के, मैं तो साइंस नहीं पढ़ूंगा, तो CET आएगा बेटा, उसके बाद आपको पता लग जाएगा आपको कितना साइंस पढ़ना है जो कि आने वाला है, ठीक है, क्लियर है। नींद आने का अलग कारण होता है बेटा आज सारी चीजें पूछोगे तो फिर कल को क्या पढ़ोगे, ठीक है। तो सबसे छोटी कोशिका आपकी होती है स्पर्म, सबसे बड़ी होती है आपकी ओव्यूम, और अगर आपसे लॉन्ग पूछे, लंबी पूछे, तो आपकी होती है न्यूरॉन, ये कुछ ऐसे होती है, ये कुछ ऐसे होती है, देखो ऐसे होती है,
ये आपका ऐसे होता है, ये आपके हाथ की उंगलियों जैसे होता है और ये आपका नीचे का हिस्सा होता है, ये आपका न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन कुछ ऐसा दिखता है जिसके बारे में बता देती हूँ, ठीक है। तो लगा दो आग पानी में, ठीक है, ऑक्सीटोसिन में डाउट्स है। अच्छा, कुछ बच्चों के ना दिमाग में बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं जिनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, ठीक है। और वो बहुत सारे डाउट क्या है तो मैं आपको बताती हूँ। उसमें सबसे बड़ा आप लोगों के दिमाग में एक डाउट चल रहा है और वो डाउट है हॉर्मोन्स को लेके। तो बच्चों हॉर्मोन्स का एक चैप्टर होता है, कुछ चीजों को पढ़ने के लिए अगली क्लासेस का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में बात करेंगे, ब्रेन के कितने हिस्से होते हैं। पार्ट्स ऑफ ब्रेन मस्तिष्क के भाग, बच्चों मस्तिष्क के तीन हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? तीन हिस्से होते हैं। तो सबसे पहला होता है बेटा फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, तीसरा होता है हिंड ब्रेन, ठीक है। ये दिमाग के तीन हिस्से होते हैं, ठीक है। तो हिंदी में इन्हें क्या बोलते हैं? पहला होता है फोर ब्रेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अर्ग मस्तिष्क, ठीक है, अर्ग मस्तिष्क, ठीक है। ये होता है मिड ब्रेन, इसको बोलते हैं हम लोग मध्यम मस्तिष्क, ठीक है। एक होता है हिंड ब्रेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। तो तीन तरह के आपके ब्रेन होते हैं। और कहां कहां पाए जाते हैं? तो देखो कहां कहां पाए जाते हैं। ये सबसे बड़ा हिस्सा आपके दिमाग में क्या लग रहा है? दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? अगला, बीच वाला, पिछला, कौन सा है? ठीक है, बताओ। तो जितने भी बच्चों का पीटी का एग्जाम है और जितने बच्चों का आने में सीजीएल का एग्जाम है, जितने बच्चों का जीडी का एग्जाम है, जितने बच्चों का यूपीएसआई का एग्जाम है, वो सारे बच्चे देख सकते हैं, ठीक है। बताइए बेटा, बताओ। देखो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है, तीन तरह के दिमाग होते हैं। बहुत बढ़िया, अब आगे, अब यहां पे बात करते हैं सेरिबेलम किसका हिस्सा है। इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ और बात भी बताना चाहती हूँ, यहाँ पे कुछ और बात भी बताना चाहती हूँ बच्चों। फिर इन दिमाग के हिस्से आ जाते हैं, इन दिमाग के हिस्से आ जाते हैं। किसी दिमाग का कौन सा हिस्सा होता है, किसी दिमाग का कौन सा हिस्सा होता है, ठीक है। अब कौन से वाले दिमाग का कौन सा हिस्सा होता है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से पढ़ना आप लोग यहाँ पे। एक सेकंड हो गया बच्चों, ये देखो जो आपका फोर ब्रेन होता है, कौन सा ब्रेन होता है? फोर ब्रेन होता है। ये देखो जो आपका फोर ब्रेन होता है, जो आपका अर्ग मस्तिष्क होता है, उसके तीन हिस्से होते हैं। जो आपका मिड ब्रेन होता है उसके अलग होते हैं, और जो आपका हिंड ब्रेन होता है उसके अलग होते हैं, अलग अलग हिस्से होते हैं। देखो ध्यान से सुनो, जो आपका फोर ब्रेन होता है, जो आपका मिड ब्रेन होता है, ठीक है, मिड ब्रेन होता है, और जो आपका हिंड ब्रेन होता है, ठीक है, जो आपका पश्च मस्तिष्क होता है, ठीक है, इसके तीन हिस्से होते हैं। कौन से होते हैं जरा देखो ध्यान से सुनो। जो आपका फोर ब्रेन होता है उसका सबसे पहला हिस्सा होता है सेरिब्रम। हमें भ्रम है कि हम आगे हैं, तो सेरिब्रम, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है भूख लग गई है, तुम ये सोचो ना कि हम तो सुबह से यहीं पे खड़े हुए हैं तो चाय तो पी सकते हैं। एसएससी जीडी में आएगा क्या? रितेश ने बोला। देखो आप जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, होता क्या है, आपका मिड ब्रेन हो गया, आपका हिंड ब्रेन हो गया, तो आपको भ्रम है। क्यों? क्योंकि बेटा एक होता है सेरिब्रम और एक होता है आपका सेरिबेलम। एक होता है सेरिब्रम, एक होता है सेरिबेलम, तो दोनों में क्या है? अंतर है, लेकिन आप भूल जाते हो। तो सेरिब्रम, हमें भ्रम है कि हमारा दिमाग आगे है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका आता है, उसके बाद आपका आता है हाइपोथैलेमस, हाइपो
थैलेमस, ठीक है। उसके बाद आपका आता है थैलेमस, क्या आता है थैलेमस, 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 हाइपोथैलेमस, थैलेमस सेरिब्रम, ठीक है। अब आता है सेरिबेलम। अब जो सेरिबेलम होता है, ठीक है, मैं सभी को बताऊंगी, उसमें एक होता है आपका पोनस और एक होता है आपका मेड्यूला, मेड्यूला ओबेलो, ओबेलोगाटा, मेड्यूला ओबेलोगाटा। तो इसके एक दो तीन, इसका कोई हिस्सा नहीं होता, इसका ये एक ही है जो हमें पढ़ना है। तो मेड्यूला ओबेलोगाटा किसका हिस्सा होता है, हिंडब्रेन का हिस्सा होता है, पूछा जाता है। सेरिबेलम किसका हिस्सा है, सेरिब्रम किसका हिस्सा है, हाइपोथैलेमस किसका हिस्सा है, ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं बनते हैं, तो कम से कम 5,500 लाइक हो जाने चाहिए, जब तो पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे कि मैम सेरिब्रम को हिंदी में क्या बोलते हैं, सेरिब्रम को हिंदी में अनुमस्तिष्क बोलते हैं। और जो आप लोग, एक बच्चा बोल रहा है कि कंसंट्रेशन से दिमाग अच्छा होता है, वो कौन सा दिमाग होता है, तो वो लोब होती है आपके दिमाग के, जिसको बोलते हैं हम लोग फ्रंटल लोब। क्या बोलते हैं, फ्रंटल लोब। अब मुझे जितने भी बच्चे यहाँ पे मेरी क्लास देख रहे हैं, सारे के सारे बच्चे, पहली बात तो सेशन को कम से कम 5,500 पे लाइक पहुंचा दो, फटाफट से पहुंचा दो 5,500 लाइक। देखो अब तक मैंने बोला नहीं है, 5,500 लाइक पहुंचा दो फटाफट, ठीक है। बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, बहुत सारे डाउट हैं, ठीक है। अब एक बच्चा बोल रहा है व्हाट इज सेप्रोफिल, रोशन और रोशन जैसे सारे बच्चे, जब मैं बोलूं कि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो, तो आप सारे क्वेश्चन वहां पे ले आओ। यहाँ पे क्या होता है कि टॉपिक से फिर थोड़ा सा हम लोग घूम जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे फिर दिक्कत होती है। तो सारे के सारे स्टूडेंट जो है जोरदार तरीके से सेशन को लाइक और शेयर करें, फटाफट से 5,500 लाइक हो जाने चाहिए जब आपकी चीजें आगे बढ़ेगी। अब क्योंकि अब तक मैं सिर्फ आपको पढ़ा रही हूं, मैंने अब तक आपको कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सेरिबेलम के बारे में, अनुमस्तिष्क के बारे में। अब आप सबसे पहले पढ़ रहे हो हिंड ब्रेन के बारे में, पीछे वाले दिमाग से शुरू कर रहे हो आप लोग, आप हिंड ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हो। बहुत ही मजेदार टॉपिक है आपका, ठीक है। हिंड ब्रेन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पश्च मस्तिष्क, क्या बोलते हैं पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। तो पश्च मस्तिष्क क्या होता है, जरा इसके बारे में हम लोग यहां पे बात करेंगे। इतने में तो मैं कहीं बोलूं तो यूं लाइन लग जाती है लाइकों की, और तुम यहां लाइक नहीं कर पा रहे हो, क्या बात है। सेशन को मुझे नहीं करना, सेशन को करना है, मुझे करना है बाद में, जब तुम्हारा सेटिस्फेक्शन हो जाए, हाँ मैम बढ़िया पढ़ा रही है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया सूरज बेटा बढ़िया। नहीं मैं जहां पे हूं मैं वहां भी रहूंगी और मैं यहां पे भी रहूंगी, मैं दोनों जगह रहूंगी। लाइक तुम लोगों ने तो ऐसा कर रखा है, मैंने बोला था ना कि हमें आते ही पाकिस्तान पे बम फेंकना है, ठीक है, लेकिन तुम पाकिस्तान पे बम नहीं फेंकवा रहे, हम 5,500 लाइक की बात कर रहे हैं, है ना। मुकुंदा ये आपका ब्लड चैप्टर आना वाला है, उसके बारे में आप पढ़ दोगे, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है तालिबान पे भी कुछ बोलिए, क्या बोलूं तालिबान पे। अब तो मुझे ये आ रहा है कि अफगानिस्तान बेचारा कितना सहमा हुआ, कितना दबा हुआ फील कर रहा होगा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है कि पाकिस्तान जो है उसको बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि तालिबानों से, और यहाँ पे इंडिया के लिए बहुत मुश्किलें बढ़ गई है। लेकिन खैर हमारे इंडिया हमारा इंडिया है भैया, हमारा इंडिया क्या होगा भाई साहब, हम सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते, हम भाग नहीं सकते यहाँ से। तो जैसे अफगानिस्तान में क्या हुआ, भाग गया वहां से, तो यहाँ पे मोदी जी भाग जाएंगे, नहीं भागेंगे, भले आप कुछ भी बोलते हो एक्स वाई जेड, हमारे भारत में एक बात है कि हम भाग नहीं सकते, हम मर जाएंगे लेकिन भागेंगे नहीं, ठीक है। आ जाओ बच्चों, सेरिबेलम के बारे में बात करते हैं। तो सेरिबेलम को बोलते हैं छोटा दिमाग, क्या बोलते हैं बेटा, छोटा दिमाग बोलते हैं, छोटा दिमाग, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, बोलते हैं हम लोग छोटा दिमाग, इसको बोलते हैं बच्चों स्मॉलेस्ट ब्रेन, स्मॉलेस्ट ब्रेन, नो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, दिमाग का सबसे छोटा हिस्सा, दिमाग का सबसे छोटा हिस्सा, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन,
इसको कई बार लिटिल ब्रेन भी कह दिया जाता है, लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है, लिटिल ब्रेन, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, दिमाग का सबसे छोटा हिस्सा, ठीक है। नाना पाटेकर की बात सुनी होगी आपने, ये मानने का दिमाग, छोटा दिमाग, छोटा दिमाग है। तो ये छोटा दिमाग जो होता है आपका, ये क्या होता है, सेरिबेलम होता है, और ये आपका क्या होता है बच्चों, ट्री ऑफ लाइफ, इसको ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का पेड़ क्यों कहा जाता है, जीवन का पेड़, जीवन का पेड़ कहने का कारण क्या है, क्या कारण है जीवन का पेड़ कहने का, ठीक है बच्चों, जीवन का पेड़ कहने का कारण ये है कि ये जो है ना, ये बॉडी में मूवमेंट करवाते हैं, बॉडी में मूवमेंट करवाते हैं, मूवमेंट, शरीर में संकुचन या शरीर में मांसपेशीय संकुचन, शरीर में मांसपेशीय संकुचन, ठीक है, बॉडी मूवमेंट या बॉडी में मस्कुलर मूवमेंट भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरी बात है, ये बॉडी को सपोर्ट करती है बहुत ज्यादा खड़े होने में, बॉडी को बैलेंस करने का काम भी इसी का ही है, ठीक है। अब क्या होता है भाई, देखो पार्टी होती है, गाड़ी तो तेरा भाई चलाएगा, ठीक है, लगा दो पानी में आग, आ जाओ, अब एनर्जी आ गई है, चाय पी लिए, सुबह से ऐसे ही पढ़ा रहे हैं 9 बजे से, है ना, आ जाओ मेरे बेटा। देखो अब क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं शराब पी लेते, ओ भाई साहब, भाई आज तो पार्टी है, आज तो तेरा भाई पिएगा, आज तो तेरा भाई पैग मारेगा, और फिर जोगिंदर भाई जो है वो गाड़ी चलाएगा, ठीक है। अब आपने सुना होगा कि एक बहुत ज्यादा मीम वायरल है, तेरा भाई जोगिंदर, तेरा भाई जोगिंदर, है ना, अब भाई साहब भाई जो गाड़ी चला रहा है, ठीक है, अब जो भाई है वो गाड़ी चला रहा है, लेकिन उसने क्या पी रखी है, शराब पी रखी है, भयंकर शराब पी रखी है, तेरा ये भाई जोगिंदर जो है, ठीक है, वो क्या है कि गाड़ी चलाएगा। अब जोगिंदर भाई ने गाड़ी चलाई, लेकिन क्या है भाई साहब, उसने इतनी शराब पी रखी है कि उसका सेरिबेलम काम नहीं करता। अब जोगिंदर भाई को आगे मिल जाती है प्रियदर्शनी, और फिर वो मारते दे रैप्टे, ठीक है। आजकल तो लखनऊ में क्या करने वाले, क्या करने लगे, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, नहीं तो प्रिया दर्शनी मिल जाएगी, ऐसे करके एक वो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने लगाया है। बच्चों जब कोई भी इंसान शराब पी लेता है, शराब, ठीक है, अल्कोहल, जब कोई भी इंसान अल्कोहल पी लेता है, अल्कोहलिक पर्सन, कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन जो होता है, कोई भी मानव जब अल्कोहल पीता है, तो उसका सेरिबेलम काम नहीं करता, ठीक है। तो अब क्या होता है, उसके शरीर का बैलेंस खत्म हो जाता है, तो वो कभी भी सीधा नहीं चल सकता, ये ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसे चलेगा, ऐसे फ्रंटल क्यों होता है, फ्रंटल क्या होता है, ये आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, सैरी ब्रह्म में पढ़ेंगे, वो ऐसे ऐसे चलेगा। ऊपर से क्या होता है कि अगर नाली में गिर जाए, उन्हें पता तो होता नहीं वो नाली में गिर गए, सड़क पर जिस साइड गिरे रहेंगे उसको वो उसी साइड गिरेंगे, पलटेंगे मेरी, ठीक है, क्यों नहीं पलटेंगे, ठीक है, तो ऐसे अगर पड़ा रहेगा तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो पलटेंगे भी नहीं, क्योंकि उनके बॉडी का बैलेंस नहीं हो रहा, उनके बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा, मस्कुलर मूवमेंट हो ही नहीं रहा, तो इसलिए वो गिरा ही रहेगा, ठीक है। तो क्या है कि अल्कोहल शराब पीने से आपका कौन सा दिमाग काम नहीं करेगा, तो शराब पीने से आपका कभी भी सेरिबेलम काम नहीं करेगा, कोई भी नशीली दवाई खाने के बाद भी ये काम नहीं करता, या कोई भी थोड़ी सी नींद वाली दवाई होती है तो भी ये काम नहीं करता है, ठीक है। अब आपको दूसरी बात मैं यहाँ पे ये बता देती हूँ बेटा, जिन लोगों को इस दिमाग के हिस्से में चोट लग जाती है, तो उनकी पूरी बॉडी जो है वो, ठीक है, दिमाग तो काम कर रहा है, लेकिन जीभ भी नहीं उठेगी, हाथ भी नहीं उठेगा। कई बार किसी किसी को यहाँ चोट लग जाती है तो बॉडी का मूवमेंट नहीं होता, वो बिल्कुल बेड पे रहता है, उसका हाथ भी नहीं हिलता, ठीक है, कहती बात समझ में आई। तो ये किसकी वजह से होता है, सेरिबेलम की वजह से होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब अगला आ जाता है हमारा, अब अगला क्या आ जाता है, अगला आ जाता है मेड्यूला ओबेलोगाटा, ठीक है। तो मेड्यूला ओबेलोगाटा किसका हिस्सा है, ये दूसरा पार्ट है आपका पिछले वाले दिमाग का, ये दूसरा पार्ट है आपका हिंड ब्रेन का दूसरा दिमाग, मतलब हिंड ब्रेन का दूसरा हिस्सा है ये, ठीक है, पश्च मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा है ये, ठीक है। तो पश्च मस्तिष्क का किसका हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है ये, तो हिंड ब्रेन, ठीक है, का दूसरा हिस्सा है ये। अब मेड्यूला ओबेलोगाटा क्या करता है बच्चों, मेड्यूला ओबेलोगाटा क्या करता है, हमारी लैंग्वेज को कंट्रोल करना, पंकज इसके बस की बात नहीं है,
ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता देती हूँ। बच्चों ये स्पीकिंग कराता है, लेकिन ये स्पीकिंग कैसे करवाता है, ये स्पीकिंग में, ठीक है, ये बोलना करवाता है, ऐसा बोला जाता है। ये बोलने में क्या होता है बेटा आपका, ये आपका जो टंग होता है, आपकी जो जीभ होती है, क्या होती है बेटा, आपका टंग जो होता है, आपकी जो जीभ होती है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, अब सपोज करो आप बोलना तो कुछ चाह रहे हो लेकिन आपकी जीभ ही नहीं उठ रही, आपकी ये जो जीभ होती है ये भी तो मसल से बनी हुई होती है ना, ये उठ ही रही है, फिर कैसे काम होगा बताओ, फिर कैसे काम होगा बताओ, नहीं हो सकता ना। हाँ, अब आपको क्या बोलना है, जैसे अभी मैं तुम्हारे सामने बोल रही हूं, मुझे क्या बोलना है ये मेरे दिमाग का हिस्सा बता रहा है, क्लियर है। और सारे के सारे स्टूडेंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो, चीतो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, तुम्हें राहुल सर मैसेज दे रहे हैं बार बार, ठीक है, एज अ टेक्निकल टीम बैठ के टॉप तक की तरफ से तुम्हें बार बार मैसेज आ रहा है कि चीतो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मैंने बोला था कि कम से कम 5,500 लाइक होने चाहिए, ठीक है, तो तुमने गड़बड़ कर दी। ठीक है, देखो अब ये क्या करेगा, जैविक क्रिया करवाएगा, ये क्या करवाएगा बेटा, जैविक क्रिया करवाएगा। जैविक क्रिया कैसी होती है बेटा, या जैविक क्रियाएं कैसी होती है बेटा, दो तरह की होती है, ठीक है, जैसे कैसे कैसी होती है, सपोज करो आपको किसी को याद आए, तो एक गाना है तुझे याद ना मेरी आए, ठीक है, अब किसी से क्या कहना, ठीक है, अब आपको हिचकी आ गई, हिकप्स आ गई, हिचकी आ गई, ठीक है, अब आपको डकार आ रही, डकार खाना बहुत स्वाद था, ठीक है, बहुत आपको खराटे आ रहे, स्नोरिंग खराटे, ठीक है, या फिर अगर मैं आप लोगों को कहूं कि आपको वॉमिट आ रही है, एक्सेट्रा, ऐसी चीजें, ठीक है, या फिर अगर मैं आपको कहूं कि आप ब्रीथ कर रहे हो, इन दोनों में मैं फर्क मैं बताने वाली हूं, आप सांस ले रहे हो, ठीक है, आपका दिल धड़क रहा है किसी के लिए, हार्ट बीट, अरे किसी के लिए नहीं धड़कता है, खुद के लिए धड़कता है, खुद को जिंदा भी तो रखना है, दूसरे को जिंदा थोड़ी ना रखना है, हार्ट बीट तेरे लिए दिल धड़कता है, बकवास, हृदय की धड़कन, अरे खुद को जिंदा रखने के लिए धड़क रहा है उसका, उसके लिए धड़क रहा है, तुम्हारा तुम्हारे लिए धड़क रहा है, तो ये इतना दिमाग दिल के धड़काने को मत लगाया करो, पढ़ने के लिए लगाया करो, ठीक है, पेज पलटने के लिए लगाया करो इतना दिमाग, ठीक है, हार्ट बीट हो रही है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, हार्ट बीट ब्रीथ हो गया, सांस लेना हो गया, हार्ट बीट हो गया, आपके शरीर के अंदर डाइजेशन हो गया, आपके शरीर के अंदर पाचन हो गया, ठीक है, डाइजेशन हो गया, हार्ट बीट हो गया, पाचन हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया, एक्सक्रिएशन मतलब वही खून को साफ करना, उत्सर्जन हो गया, खून बचेगा तो साफ होगा ना, खून तो सारा सोना बाबू पी जाता है। देखो बच्चों इन दोनों में फर्क क्या है, ये है तो जैविक क्रिया ही है तो जैविक क्रिया ही, जैविक क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जैविक क्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है। अब इसमें से दोनों एक ही बात है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, लेकिन एक को करने या ना करने से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एक को नहीं किया तो हमारी मौत हो सकती है। जैसे ध्यान से सुनो, आपको डकार आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं, आपको हिचकी आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं, आपकी पलकों का झपकना, ये दोनों एक्टिविटी ऐसी है जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है। भाई हिचकी लाना या हिचकी बंद करना आपके कंट्रोल में नहीं है, डकार रोकना आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, खराटे मारना आपके कंट्रोल में नहीं है, उल्टी को कंट्रोल करना आपके कंट्रोल में नहीं है, अपनी पलकों को झपकाना कितनी देर तक रोक पाओगे, एक बार तो पलके झपकेगी ही ना, ठीक है, तो इसलिए ये कंट्रोल में नहीं है अपने, ठीक है। और एक चीज और होती है, देखो मैं भूल गई, कई बार क्या होता है, पाद जो होता है, ठीक है, अब किसी को पाद आ रहा है, अब वो बहुत रेंगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतने में एकदम कहीं से ऐसे आवाज आई, तो अब कोई कैसे कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि आपका जो दिमाग होता है, मेड्यूला ओबेलोगाटा, ये आपकी क्या करवाता है, एक्टिविटीज करवाता है, ठीक है, ये एक्टिविटीज, ये ऐसी जैविक क्रिया करवाता है जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता, लेकिन अगर ये नहीं होगी तो आपकी मौत नहीं होगी, किसी की मौत नहीं होगी, सांस लेना बंद कर दो मर जाओगे, हार्ट बीट मर जाओगे, डाइजेशन बंद होगा, खाना सड़ जाएगा, कैंसर हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा, अल्सर होने के वैसे बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन नहीं होगा, खून साफ नहीं हो जाएगा, तो भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये ऐसी क्रिया होती है जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, तो एक होती है आपकी एसेसरी,
ठीक है, एक होती है आपकी वाइटल, ठीक है, एक होती है आपकी एसेसरी। तो ये आपकी एसेसरी एक्टिविटी है, एसेसरी मतलब सहायक, ये आपकी सहायक क्रिया है, और ये आपकी वाइटल एक्टिविटी है। वाइटल एक्टिविटी का मतलब क्या आता है, वाइटल एक्टिविटी का मतलब होता है हाँ जो हो रही है ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब कौन करवाता है, मेड्यूला ओबेलोगाटा। एक होता है इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री एक्टिविटीज करवाता है, जिसको इंग्लिश में वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब जिसको करने से आपको फर्क पड़ता है, जिसके ना करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ इस तरह से है, ठीक है। दूसरी बात है, आपसे पूछा जाता है कि श्वसन कौन करवाता है, आप सांस ले रहे हो किस दिमाग के हिस्से की वजह से, तो आप बोलोगे मेड्यूला ओबेलोगाटा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपकी सांसों को कंट्रोल कौन कर रहा है, तो भाई साहब आप बोलोगे मैडम आपको कैसे पता कि हमारी सांसों को कंट्रोल कौन कर रहा है। मैंने बोला मैं तुम्हारी लव स्टोरी सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं साइंस पढ़ा रही हूँ। तो कौन सा दिमाग तुम्हारी सांसों को कंट्रोल करता है, तो कहीं ना कहीं पोनस जो होता है वो आपकी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल रेस्पिरेशन क्या करता है बेटा, कंट्रोल, कंट्रोल नियंत्रित करता है, नियंत्रण, नियंत्रण करता है किसका, श्वसन को, ठीक है, रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेशन को क्या करता है बेटा, ये कंट्रोल करता है कौन, पोनस। पोनस क्या है मैडम, पोनस जो है वो आपका तीसरा हिस्सा है पश्च मस्तिष्क का, पिछले दिमाग का, पश्च मस्तिष्क का तीसरा हिस्सा है, क्लियर है। तो अब तक हमने दिमाग के तीन हिस्से पढ़े, कौन से पढ़े जरा आके देख लेते हैं। ओह भाई कौन से तीन हिस्से पढ़े, दिमाग के तीन हिस्से होते हैं। जितने बच्चे नए आए एक बार हल्का सा रिवाइज कर लो। मैम जी क्या मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, अमन सिंह करना चाहिए लेकिन करने के लिए समय होना चाहिए। अगर मुझे आप बोलो तो मैं मेडिटेशन नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मेरा मेडिटेशन क्या है, मेरा काम ही मेरा मेडिटेशन है, है ना, मेरा काम ही मेरा मेडिटेशन है। वैसे करना चाहिए अगर आपके पास समय है तो, हमारी तो जिंदगी झंड हो रखी है, बिल्कुल बर्बाद हो रखी है बिल्कुल, ठीक है। और फिर तुम लोग हम लोगों को गालियाँ देते हो, हम लोगों को ये कहते हो कि क्या कहते हैं, मतलब सुनाते हो कि अरे तुम क्लास नहीं लेते, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तो पूरे दिन हम लोग आपकी क्लास के लिए तत्पर रहते हैं, उसके बाद हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो फिर आपको अलग से गुस्सा आ जाता है, अरे इन्होंने रोज का नाटक मचा रखा है। तो हमें खाना खाने का सही से समय नहीं है। अगर मैं सही बताऊं तो मैंने तो अब तुम्हारे सामने चाय पी, सुबह से पानी भी नहीं पिया, और फिर तुम लोगों को टीचर दुश्मन दिखाई देते हैं अपने, यार ये ना पढ़ा नहीं रहे, जानबूझ के नहीं पढ़ा रहे। अरे भैया हमारा तो काम है पढ़ाना, हम तो पढ़ाएंगे, ठीक है। देखो फोर ब्रेन अर्ग मस्तिष्क हो गया, मिड ब्रेन मध्यम मस्तिष्क हो गया, हिंड ब्रेन पश्च मस्तिष्क हो गया। तो ये तीन दिमाग के हिस्से होते हैं आपके, जिसमें मैं आप लोगों को पिछले वाले दिमाग के बारे में पढ़ा रही थी। अब इन तीन दिमाग के भी हिस्से होते हैं, जिसमें एक होता है आपका सेरिब्रम, एक होता है हाइपोथैलेमस, एक होता है थैलेमस, ठीक है। अब हिंड ब्रेन क्या होता है, हिंड ब्रेन होता है एक आपका सेरिबेलम, ठीक है, विकास चल झूठी भी सुनाएंगे रुक जाओ, ठीक है। पश्च मस्तिष्क हिंड ब्रेन होता है, एक होता है सेरिबेलम, एक होता है पोनस, एक होता है मेड्यूला ओबेलो गाटा। तो ये तीन चीजें जो होती है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें हम लोगों ने ये तीनों के बारे में पढ़ लिया है। किसके बारे में पढ़ लिया, तीनों के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। कहती बात समझ में आई, तो एक बच्चा बोल रहा है कि मैम आप सच में ना, हम सच में टीचर झूठ बोलते हैं। अच्छा तुम्हारी सोना बाबू जब बोलते हो बाबू मेरी तबीयत खराब हो रही है, और ये बाबू तुम दवाई क्यों ले रही, तुम रेस्ट कर लो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तो भाई ठीक है ना, मास्टर क्या है, मास्टर की जो है जिंदगी झंड है, ठीक है, उसकी तबीयत खराब नहीं हो सकती, तुम्हारे सोना बाबू की जरूर हो सकती है। अब आ जाओ आगे बेटा, इतनी बात समझ में आई, तो अब आ जाते हैं अगले दिमाग पे। बच्चों आपको क्या कहते हैं, मिड ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो मिड ब्रेन जो होता है वो सेंसरी ऑर्गन पे काम करता है, संवेदी अंग पे काम करता है। अगर मैं किसी भी बच्चे से ये पूछूं कि सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं, संवेदी अंग क्या होते हैं, कितने संवेदी अंग होते हैं, कितने सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जो जल्दी से बताइए। बैच के बारे में बताया जाएगा, साइंस का बैच बहुत जल्दी आएगा आपका, ठीक है। हाँ मैं हूं, मैं वहां पे भी हूं, मैं यहां पे भी हूं, बताओ, मैं साइंस ही पढ़ाती हूं, जल्दी से बताओ मिड ब्रेन क्या होता है बेटा, जल्दी से बताओ। देखो मिड ब्रेन जो होता है ना वो सेंसरी ऑर्गन पे काम करता है, किस पे काम करता है, सेंसरी ऑर्गन पे काम करता है, संवेदी अंगों पे काम करता है, अभी संवेदी अंग क्या होते हैं। अब 6000 लाइक हो जाने चाहिए, कम से कम 6000 लाइक होने जाने चाहिए, ठीक है। तो संवेदी अंग क्या होता है, सेशन को लाइक और शेयर भी करते चलो। देखो राहुल सर का मैसेज आ रहा है बीच में, देखो तो खुद देखो आप,
ठीक है, एक बच्चा कहता है शुभम बोलता है पूरा बिस्लेरी पी लिया और कहते हैं कि पानी नहीं पिया। हाँ अब हम मर जाए ना यहाँ पे, तुम तो यही चाहते हो हार्ट अटैक आ जाए टीचरों को यहीं पे। देखो ध्यान से, सेंसरी ऑर्गन होते हैं आपके पांच, आंख होता है, कान होता है, नाक होता है, हाथ होता है ना, जीभ होता है। अभी हाथ नहीं होता, ये स्किन को दर्शाया जा रहा है, त्वचा को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो त्वचा को दर्शाया जा रहा है। तो अब ये आपके पांच सेंसरी ऑर्गन में से सिर्फ दो ही संवेदी अंगों पे काम करता है। ठीक है, अब संवेदी अंग कौन से होते हैं लिख देती हूँ। ठीक है, आपको पता है आपकी आंखें जो होती है वो संवेदी अंगों का हिस्सा होती है, आपके कान जो होते हैं, ईयर जो होते हैं वो संवेदी अंगों का हिस्सा होती है, आपकी नाक जो होती है, नोज जो होती है वो संवेदी अंगों का हिस्सा होती है। ठीक है, आपकी जो स्किन होती है, आपकी जो त्वचा होती है वो संवेदी अंगों का हिस्सा होती है, और आपकी टंग जो होती है, आपको जो जीव होती है वो भी संवेदी अंगों का हिस्सा होती है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इन पांचों में से पांचों में काम करता है क्या, नहीं, ये इन पांचों में से कुल दो चीजों के ऊपर काम करता है। तो एक आपका होता है कान, वो सॉरी कान बोल रही हूँ, हाँ कान ही, नाक बोल रही थी मैं, एक होता है कान ईयर और एक होता है आई आंखें। ठीक है, तो ये इन संवेदी अंगों पे क्या करता है बेटा, काम करता है। तो कितने संवेदी अंगों पे काम करता है, कितने संवेदी अंगों पे काम करता है, तो ये इतने संवेदी अंगों पे काम करता है। तो सेशन को जोरदार तरीके से लाइक और शेयर करो। तो कान और आंखों, इन दोनों चीजों पे ये आपका संवेदी अंग काम करता है। ठीक है, ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है चल झूठी सुनना है मेरे मुंह से। ठीक है, एक बार तुम बता दो, हौसलों ने मंजिल से कहा है या मंजिल ने हौसलों से कहा है। ठीक है, आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं, थैलेमस बढ़ते हैं। बच्चों थैलेमस भी सेंसरी ऑर्गन पे काम करता है, थैलेमस भी सेंसरी ऑर्गन पे काम करता है, सेंसरी ऑर्गन पे काम करता है। ठीक है, संवेदी अंगों पे काम करता है, किस पे काम करता है, संवेदी अंग पे काम करता है। अब ये संवेदी अंग क्या होते हैं, देखो ध्यान से सुनो, मैं आपको बताती हूँ, प्यार से सुनना ध्यान से बच्चों। ये जो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन का कोई अपना हिस्सा नहीं होता, मिड ब्रेन सिंगल है, मध्यम मस्तिष्क सिंगल है, इसका कोई हिस्सा नहीं है यहाँ पे। लेकिन जिस हिस्से की अब मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, जिस हिस्से की अब मैं बात कर रही हूँ, थैलेमस, ये आपके अर्ध मस्तिष्क का हिस्सा है। तो अब हम अगले वाले दिमाग के बारे में बात कर रहे हैं, पहले हम पिछले के बारे में बात कर रहे थे, फिर बीच वाले के बारे में दिमाग के बारे में बात कर रहे थे, अब अगले दिमाग के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगले दिमाग का हिस्सा होता है आपका थैलेमस, थैलेमस भी सेंसरी ऑर्गन पे काम करता है। पांच संवेदी अंगों में से दो पे तो आपके बीच वाले दिमाग ने काम कर दिया, अब एक, ठीक है, एक पे कौन काम करता है या तीन पे कौन काम करता है। अब देखो, एक हो गया आपका नाक, तो सुगंध कैसी आ रही है, ठीक है, इसके ऊपर भी काम करता है। ठीक है, अब आगे, नाक वैसे रेस्पिरेशन श्वसन तंत्र का हिस्सा है, कुत्तों की नाक तेज होती है इंसानों से। ठीक है, फिर जीभ की बात करते हैं, तो जीभ जो होती है वो तेज होती है लड़कियों की, बोलने में नहीं स्वाद में। ठीक है, तो जीभ जो होती है तेज होती है, यानी ऑल्फैक्टरी रीजन जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, स्वाद कली का है, टेस्ट बड्स जो होती है वो लड़कियों की ज्यादा होती है लड़कों के मुकाबले, इसलिए लड़कियों को स्वाद ज्यादा आता है। तो टंग हो गई, जीभ हो गई, नाक हो गई, ठीक है, अब आपकी स्किन हो गई, ठंडा गर्म जो आपको लग रहा है, ठीक है, आपकी त्वचा हो गई। तो ये जो आपके सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जो भी आप फील कर रहे हो, नाक अच्छा गंदा, ठीक है, मतलब अच्छी सुगंध बुरी सुगंध, टंग जीभ का टेस्ट या स्किन त्वचा को लेके जो भी आप फील कर रहे हो अभी आसपास के एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो वो सब क्या होता है, वो सब आपका यही होता है। क्लियर है, क्लियर है, बोलो हाँ के ना। बोलो हाँ के ना बच्चों। तो चैनल भाई देखो, जब 6000, देखो हरिंदर ने बोला ठीक है, हरिंदर मैंने सारी बात मान ली, जब 6000 लाइक हो जाएंगे तब आएगी शायरी। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब ये बहुत सारे बच्चों की ना एक समस्या आ रही है कि अब ये तो राहुल सर का चैनल है, ठीक है, आप यहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है, मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और हम पाठ ही खा रहे हैं।
आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका थैलेमस भी खत्म हो गया, अब हाइपोथैलेमस की हम लोग बात करते हैं। तो बच्चों हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस जो होता है बच्चों, जो आपका टेम्परेचर होता है, जो बॉडी का ताप होता है, उसको रेगुलेट करने का काम, ठीक है, बॉडी के शरीर के टेम्परेचर को, बॉडी के शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम किसका होता है? रेगुलेट, ठीक है, नियंत्रित करने का काम किसका होता है? नियंत्रित करने का काम किसका होता है? तो ये होता है बच्चों आपका थैलेमस का। थैलेमस का काम होता है बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करने का, रेगुलेट कराने का काम होता है, ठीक है। फिजिक्स की क्लासेस किरण, जिस दिन फिजिक्स क्लासेस होगी उस दिन क्वेश्चन विद न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। भाई देखो ये वो अच्छा कहता है, उन्होंने दो बार लाइक कर दिया, ठीक है। देखो लाइक करने से ज्यादा उस सेशन को शेयर भी करो, ठीक है। अब देखो आपको ये क्लास पसंद आ रही है, आपको क्लास में मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस क्लास के अंदर, तो ये कौन करवा रहा है बच्चों? ये अभी आपका हाइपोथैलेमस करवा रहा है। इसके बारे में मैं इतना बता चुकी हूँ, मेरी इतनी मीम्स वायरल है इस चीज के बारे में कि दिल दिल नहीं होता, हाइपोथैलेमस होता है। तो आपको अगर किसी से प्यार है नहीं है, माँ से प्यार नहीं करते हो अपने, ठीक है, तो ये इसकी वजह से है, ठीक है। आपको टॉप तक से प्यार है, हाइपोथैलेमस की वजह से। आपको फिलहाल प्यास लग रही है, अब देखो मेरे को प्यास लग रही है, आपको थ्रस्ट लग रही है, तो मेरे हाइपोथैलेमस ने ही तो मुझे बताया कि मुझे प्यास लग रही है, मुझे थ्रस्ट लग रही है ना, मुझे प्यास लग रही है, क्लियर है? गोल्डन चैनल की बात कर लेते हैं। मैम इस चैनल और उस चैनल में भटक रही है, एक ही चैनल पे पढ़ा लो। बेटा मेरा खुद का एक चैनल है और दूसरा चैनल है, ठीक है, बाकी हम दोनों ने एक जगह से छोड़ दिया तो वो तुम्हें भी पता है, ठीक है। बाकी हम साथ में चला रहे हैं चीज़ों को, मेरा वो चैनल है जो है और ये चैनल भी है, ठीक है। अब आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, ठीक है। प्यार की बात करूँ, प्यास की बात करूँ, ठीक है, प्यार हो गया, प्यास हो गया, और क्या हो गया, और क्या हो गया, भूख लग रही है, वो भी किसकी वजह से होती है? इसी की वजह से होती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, क्या भूख हो गया, प्यास हो गया, प्यार हो गया, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं इंटरेस्ट, अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। अब जैसे सारी लड़कियों का क्रश इस टाइम नीरज चोपड़ा है, तो नीरज चोपड़ा इस टाइम क्या बन चुका है? मैक्सिमम लड़कियों का क्या क्रश बन चुका है इंडिया में और फॉरेन कंट्रीज में भी। तो वो क्रश पैदा कौन कर रहा है लड़कियों के लिए? हाइपोथैलेमस, ठीक है। आज आपका मूड बहुत खराब है, आप बहुत गुस्से में हो, ठीक है, ये भी किसकी वजह से होता है? ये हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। तो बेटा दिल दिल नहीं होता, हाइपोथैलेमस होता है। दिल का काम सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई करने का होता है, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो सबका काम क्या होता है, इन सबका काम क्या होता है, इन सबका काम होता है एक तरह से हाइपोथैलेमस आपकी फीलिंग पे काम करता है। आप क्या फील कर रहे हो अभी, अगर आप एग्जाम के लिए जो भी फील कर रहे हो, खैर जैसे आपको डर लग रहा है तो आपके हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे एड्रेनल ग्लैंड होती है वो काम करती है, ठीक है। दूसरी बात है, कमजोर बच्चों पे भी ध्यान दो, दे रहे हैं ना पढ़ाई में कमजोर बच्चों पे भी। लव हार्मोन क्या होता है बेटा? लव हार्मोन एक अलग चीज होती है। लव हार्मोन जब निकलता है, ठीक है, जब कोई महिला माँ बनती है, एक लव हार्मोन ये भी होता है, जब आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा, आप किसी को बार बार टच कर रहे हो, ठीक है, जब आप किसी को बार बार टच करते हो तो कहीं ना कहीं लव हार्मोन रिलीज होता है आपका, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसको हम लोग कई बार कह देते हैं, मेनली फीमेल के अंदर ज्यादा निकलता है, इसलिए मर्द ज्यादा बेवफा होते हैं ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे ये कहानी कुछ और है जो अपन लोग ग्लैंड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिसके अंदर लव हार्मोन ज्यादा निकलता है वो बहुत ज्यादा, उसको मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल टाइप, मान लो प्यार के मामले में बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो हाइपोथैलेमस हो गया, तो दिल दिल नहीं होता, हाइपोथैलेमस हो गया। आज आपको जो भी मैंने पढ़ाया आपको कैसा लगा है, ठीक है। एक बच्चे ने बोला सेरिब्रम क्या करता है, अब सेरिब्रम के बारे में ही संदीप हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेशन को लाइक और शेयर जल्दी जल्दी से करने लग जाओ, फटाफट से लाइक और शेयर, लाइक और शेयर फटाफट से, ठीक है। हेडमास्टर ग्रंथि नहीं होती है संतोष जी, वो होती है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, जिसको हम लोग हाइपोथैलेमस ग्लैंड बोलते हैं।
ये ब्रेन का पार्ट है, ग्लैंड का वर्क जो होता है वो भी फोर ब्रेन के अंदर अर्ग मस्तिष्क के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है, आइए, ठीक है, अब आ जाते हैं सेरिबेलम के बारे में। और सेरिबेलम के बारे में एक शायरी जो है वो बहुत जल्दी आने वाली है विकास पांडे, तो किसी ना किसी चीज के लिए मैंने रोक रखा था इसको। बच्चों सेरिबेलम जो होता है ना, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है ये, आपके पहली बात तो ये आपके अर्ग मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ये आपके अर्ग मस्तिष्क का हिस्सा है, ये आपके फोर ब्रेन का हिस्सा है। फोर ब्रेन के हिस्से होने के साथ साथ इसको हम लोग बोलते हैं पर मस्तिष्क होता है ये, याद रखिएगा, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे दिमाग का, दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा, दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा। दूसरी बात है, इसको हम लोग इंटेलिजेंट ब्रेन भी बोलते हैं, इंटेलिजेंट ब्रेन भी बोलते हैं। ये होता है बेटा आपका इंटेलिजेंट ब्रेन, मतलब अगर बात करोगे दिमाग के इस्तेमाल करने की, इंटेलिजेंस की बात करोगे, तो इंटेलिजेंट ब्रेन यही होता है, क्या करना है, क्या करना चाहिए मुझे इस सिचुएशन में, या मैं इस चीज से बाहर कैसे निकलूं। ठीक है, तो ये सब जो है ना, ये आपका सेरिबेलम वाला ही दिमाग बताता है। अब कैसे बताता है जरा देखते हैं। ठीक है, राहुल ने बोला है कि मैम मुझे आपका साइंस स्पेशल का बैच लेना है, तो मेरे साइंस स्पेशल के बैच की जो अनाउंसमेंट है वो आपको राहुल सर करेंगे। तो राहुल सर जब साइंस स्पेशल के बैच की अनाउंसमेंट करेंगे तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। और मेरे द्वारा मेरी काफी बुक लिखी गई है, एक मेरी यूपीएसआई की बुक भी है, तो उसके बारे में बता दूंगी। सुरेश जी वो भी है। अब यार सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुन लो, ठीक है, मुझे कई बार गुस्सा भी आ रहा है कुछ बातें सुन के, कई बार अच्छा भी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, एक बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाली हूं। वैसे मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए था, लेकिन सुबह से मैं देख रही हूं कि आप भटक रहे हो, आप यहां भटक रहे हो, आप वहां भटक रहे हो। कहां भटक रही है आपकी मैम? आपकी मैम जहां थी वहां है, लेकिन हमें कौन सी एकेडमी को जवाब देना है? इस वाली एकेडमी को जवाब देना है। और ऑब्वियस सी बात है, साइंस की कहीं ना कहीं जरूरत थी, तो मैंने और राहुल सर ने यह डिसीजन लिया कि भाई साइंस के लिए कहीं ना कहीं टॉप तक पे कुछ किया जाए, तो मैं वहां भी हूं, मैं यहां भी हूं। अब तुम्हें अगर पढ़ना है तो ऑब्वियस सी बात है, मैं कहीं भी हूं तुम वहां भी पढ़ोगे मुझसे। ठीक है, हाँ, अब आगे बढ़े। चलिए, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों चीजें पढ़ाती हूं, और एक दिन मैं आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी फिजिक्स के, किस दिन करवाऊंगी वो आपको पहले ही बता दिया जाएगा। ये एक आप लोगों के लिए सरप्राइज था और कुछ नहीं, जिसमें बहुत लोगों को झटका भी लग चुका है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, देखो पार्ट्स ऑफ ब्रेन की अगर मैं बात करूं, मस्तिष्क के भाग की बात करूं, तो इसे मस्तिष्क के भाग नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे लोब्स ऑफ ब्रेन, लोब्स ऑफ सेरिबेलम, लोब्स ऑफ सेरिब्रम, बेलम नहीं, ब्रम, ब्रम। ठीक है, पर मस्तिष्क के, पर मस्तिष्क की लोब। बच्चों देखो ध्यान से सुनना, मैं ऐसा भी बोल सकती हूं कि सेरिबेलम के हिस्से, लेकिन इसमें हिस्से नहीं बोला जाता, इसमें लोब बोला जाता है। और लोब जो होती है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। ठीक है, कहती बात समझ में हुई? चलिए अब आते हैं लोब्स ऑफ सेरिबेलम, और अब यहां पे इंतकाम देखेगी, और अब यहां पे आपके चल जूटी वाली शायरी जो है आने वाली है विकास पांडे। रुक जाओ, मैं बता तो रही हूं, तुम दो मिनट रुकोगे तो हौसलों वाली भी बता देंगे। ठीक है, तुम फिर बोलोगे कि बात करेंगे। सबसे पहले लोब होती है आपकी फ्रंटल लोब। ठीक है, सबसे पहले लोब होती है आपकी फ्रंटल लोब, और फ्रंटल लोब के बारे में जो आपकी एक शायरी है वो आने वाली है, तो जरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। ये आपकी पांच लोब होती है। ठीक है, ये आपकी पांच लोब होती है, पांच लोब है आपकी। एक होती है आपकी फ्रंटल लोब, वैसे तो होती बहुत है लेकिन आपको पांच पढ़नी है। ठीक है, एक होती है आपकी फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब। ठीक है, एक आपकी होती है ऑसिपिटल लोब, ठीक है, एक आपकी होती है पेरिंटल लोब, एक आपकी होती है टेम्पोरल लोब, एक आपका होता है हिप्पोकैम्पस। क्या होता है बेटा? हिप्पोकैम्पस। अब ध्यान से सुनो,
सुनोगे ध्यान से? हाँ, तो मैम फ्रंटल लोब क्या होती है? मैं आपको बताती हूँ फ्रंटल लोब क्या होती है। मंजिल ने हौसलों से कहा, अब इसी बात पे कम से कम 6,000 लाइक हो जाने चाहिए तब आगे बढ़ाऊंगी बात, ठीक है। मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा, चल झूठी, तेरी बस की बात नहीं और तेरी इतनी औकात नहीं। तो ये हौसलों और मंजिल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं आपके फ्रंटल लोब का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो क्या है कि आपका हौसला इतना बुलंद है कि आप किसी भी चीज को क्या कर सकते हो, किसी भी चीज को क्या कर सकते हो, हासिल कर सकते हो। तो दिमाग को जो कमांड आ रही है वो आ रही है फ्रंटल लोब की तरफ से कि हाँ मैं कर सकता हूं, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। ये सारी चीजें जो लगती है ना दिमाग पे, वो कहां लगती है? देखो यहां लगती है फ्रंटल लोब पे। तो आपका जो डेडिकेशन होता है किसी भी चीज को लेके, आपका फिलहाल जो कंसंट्रेशन चल रहा है किसी भी चीज को जो लेके, कंसंट्रेशन आपका दिमाग में चल रहा है वो कहां होता है बेटा? वो आपका होता है फ्रंटल लोब पे। कहां होता है? फ्रंटल लोब पे होता है, ठीक है। दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं यहां पे, दूसरी चीज की मैं बात करूं कि भाई मुझे तो उसी लड़की से शादी करनी है, या मुझे जो है एसएससी सीजीएल में फर्स्ट रैंक लेके आनी है, या इस बार मैं तो यूपीपीईटी का जो एग्जाम है उसमें टॉप करूंगा, या मैं तो, ठीक है, या मैं तो क्या करूंगा भाई, या तो मैं तो यूपीएसआई का एग्जाम क्लियर करूंगा, इस बार तो मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए। तो ये सारी कमांड आपको फ्रंटल लोब देता है। जो बड़े बड़े वैज्ञानिक है वो ये कहते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जैसे आप रोज जिम में जाते हो, ठीक है, तो रोज जिम में जाते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो? ऐसे करते हो, ठीक है, ऐसे करते हो। तो जैसे आप ऐसे करते हो तो आपकी क्या होती है? मसल, मांसपेशियां डेवलप होती है। तो आप रोज एक्सरसाइज करते हो, आपकी मांसपेशियां डेवलप होती है। इस तरह से जैसे आप रोज पढ़ाई करते हो तो उससे आपका कंसंट्रेशन डेवलप होता है, जो कि फ्रंटल लोब डेवलप करवाती है। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि मैम मुझे जो है दिक्कत होती है, मैं बहुत ज्यादा बैठ नहीं पाता पढ़ने के लिए, तो क्या आप फ्रंटल लोब को कमांड ही नहीं कर पा रहे हो, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे? तो आपको धीरे 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 क्या होता है, अब क्या होता है, बॉडी बिल्डर एकदम से अपनी थोड़ी ना बिल्डिंग कर लेता है बॉडी की, ठीक है, क्या होता है, आराम आराम से उसकी मसल डेवलप होती है। इसी तरह से आपका फ्रंटल लोब डेवलप होगा, ठीक है। दूसरी बात है कि आपकी जो पर्सनैलिटी के अंदर चेंज आता है, जो आपकी पर्सनैलिटी होती है उसके अंदर जो चेंज आना होता है वो भी यही होती है। आपका एम यानी कंसंट्रेशन एम, या आपकी विल पावर, हौसला आपका जो बुलंद होता है वो यहीं से बुलंद होता है। यानी कर गुजरने की जो तमन्ना है ना, कुछ कर गुजरने की तमन्ना आज हमारे दिल में है, तो ये वाला जो हौसला आपका पैदा होता है ये बेटा फ्रंटल लोब से होता है, सब कुछ फ्रंटल लोब से। अब जो मैं आपको पढ़ा रही हूं आपके दिमाग में एक पिक्चर जनरेट होते जाने लग रही हो, हो 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 हो, तो ये पिक्चर जो जनरेट हो रही है ऑसिपिटल लोब की वजह से हो रही है। ऑसिपिटल लोब जो होती है वो क्या करती है, वो किसी चीज को खुली आंखों से सपना देखना जिसको बोलते हैं, विजुअलाइजेशन, वो इसी वजह से होता है बेटा। हिंदी इंग्लिश में सेम है ये, जो भी मैं लिख रही हूँ, विजुअलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी अवास्तविक तरीके से चीजों को सोचना, ठीक है, ये सब चीजें, खुली आंखों से सपना देखना, ठीक है। दूसरी बात है कि आप डायरेक्शन की बात करते हो, डायरेक्शन दिशा, ठीक है, दिशा, भाई आपको किस दिशा में जाना है, या उस चीज की दूरी कितनी है, उस चीज का डिस्टेंस कितना है, तो ये सब आपको बताने में मदद करता है आपका दिमाग का हिस्सा जिसको हम लोग बोलते हैं ऑसिपिटल ब्रेन। तो अगले दिमाग का सेरिब्रम, पर मस्तिष्क का हिस्सा, उसके अंदर जो लोब पाई जाती है ऑसिपिटल, वो ये काम करती है। अब आप बात करते हैं पेरेंटल लोब की, तो पेरेंटल लोब क्या करती है? हर किसी के माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा मैथ्स और इसमें रीजनिंग में अच्छा हो। तो पेरेंटल लोब जो होती है आपकी, ये आपके मैथ्स और रीजनिंग के लिए होती है, ठीक है, गणित और रीजनिंग के लिए, मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपकी कौन सी लोब होती है बेटा? पेरेंटल लोब जो होती है वो बच्चों मैथ्स और रीजनिंग के लिए होती है। टेम्पोरल लोब की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज टेम्पोरल लोब? टेम्पोरल लोब क्या होती है, कोई बताएगा टेम्पोरल लोब क्या होती है बच्चों? टेम्पोरल लोब, आप जब सोते हो तो आपको सपने इसी की वजह से आते हैं, ड्रीम फॉर्मेशन, सपनों का आना, ड्रीम फॉर्मेशन,
इसी की वजह से होता है, सपनों का आना, ड्रीम फॉर्मेशन इसी की वजह से होता है। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ठीक है, दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ क्लास के अंदर, ड्रीम फॉर्मेशन भी इसी की वजह से होता है। और अगली बात आपकी होती है कि भाई आपको इतनी इतनी सारी, ठीक है, इतनी सारी बातें एक बार में कैसे याद रह जाती है, कैसे कैसे इतनी सारी बातें तुम्हें याद रहती है, कैसे लड़कियां जो होती है ना उनको सारे मुद्दे याद रहते हैं, लड़कियों को सब याद रहेगा, किसका जन्मदिन कब है, कब क्या हुआ था, फलाने क्या हुआ था, डिमकाने क्या हुआ था, सब याद रहेगा, लेकिन तुम्हें नहीं रहता। क्यों नहीं रहता मैं आपको बताती हूँ। देखो हिप्पोकैम्पस जो होता है ना वो आपका इसके अंदर आपकी मेमोरी होती है, मेमोरी फॉर्मेशन ही होता है, आपकी याददाश्त जो होती है वो यहीं पे होती है, हिप्पोकैम्पस, आपकी याददाश्त का कैंपस जो होता है वो यहीं पे होता है, ठीक है। और मनीष बेटा मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं कहनी चाहिए, मनीष एक बार बार कमेंट कर रहा है, इसमें क्या होता है कुछ लोग जो होते हैं ना वो डिस्टर्ब करते हैं और कुछ नहीं है। जैसे मनीष बार बार कह रहा है कि सर मेरी गर्लफ्रेंड मुझे तलाक लेने वाली है, मैं क्या करूं, प्लीज हेल्प मी। मनीष प्रजापति ना तू बेटा एक चीज मैं बताऊं, मतलब जब तू पैदा हुआ होगा तो तेरे माँ बाप ने तेरे लिए क्या क्या सपने देखे होंगे, उस सपने को किस तरह से तू खंडित कर रहा है और किस तरह से ये बताना चाह रहा है कि तेरे माँ बाप ने जो तुझे मोबाइल दिया है, अपने आप तो कम इतना तो कमाने लायक नहीं होगा कि अपने आप मोबाइल खरीद लिया होगा, उसके अंदर नेट भी तेरे माँ बाप ही डलवाते होंगे, उसके बाद तुम ये कमेंट कर रहे हो कि सर मेरी गर्लफ्रेंड मुझे तलाक देने वाली है। तो मतलब यार, मतलब जब तुम्हारी खुद की औलाद होगी ना तब तुम सोचोगे यार मेरा बेटा, इसको मैं ये बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और फिर औलाद ऐसा करती है यार, मतलब क्या कर रहे हो आप। कुछ गलत बोलो तो वो भी गलत है कि भैया आप तो फिर गलत बोलते हो, आप में बहुत एटीट्यूड है, ऐसा बोला जाता है। अब इसमें क्या बोला जाए बताओ, इस चीज में क्या बोला, मतलब क्या बोल सकते हो, क्या मतलब है इस चीज का ये बताओ। फिजिक्स बहुत वीक है, फिजिक्स को सही करवा देंगे, टेंशन मत लो, फिजिक्स बहुत ऐसी पढ़ाएंगे उंगलियों पर नाचेगी तुम्हारी, ठीक है। तो क्या है मतलब ये सब चीजें, थोड़ी थोड़ा मजाक हम कर लेते हैं इसका, मतलब ठीक है सब चीजें ठीक है, लेकिन क्या है ये बार बार कमेंट करने का मतलब क्या है इस चीज का, कोई मतलब बैठता है इस चीज का, ठीक है। ये वो है जिनसे लड़कियां बात भी नहीं करती है, वो तलाक की बात कर रहे हैं, पढ़ लो बेटा, कहती बात समझ में आई, क्लियर है। हाँ आज है मिस्टर किशु, आज है क्लास वहां पे, आज है बेटा, इतनी बात समझ में आई, क्लियर है, पक्का बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना। अरे भैया दम पी लोगे आज तो तुम मेरा। तो इस तरह से आपका जो ब्रेन है वो खत्म हो जाता है। अब मुझे ये बताइए, ब्रेन समझ में आया, मस्तिष्क समझ में आया कि नहीं आया, मस्तिष्क समझ में आया कि नहीं आया बताओ। यहां होती है ये आपकी एक दो तीन, ये पूरे इसमें लोब्स होती है आपकी, मस्तिष्क समझ में आया कि नहीं आया, बस मुझे ये बताओ आया कि नहीं आया। और सीधी सी बात है भैया, ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, चुल्लू भर पानी वो भी नहीं मिलेगा डूबने के लिए तो, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, आ गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास में तीन चैप्टर हैं, ठीक है, उन तीन चैप्टर में से कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहोगे, ब्लड है, विटामिन है, कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहोगे, ठीक है, क्लियर है, ब्लड विटामिन। अच्छा अब पहले तो सारे बच्चे 6000 लाइक करो, और आप सभी बच्चों से क्या है कि 3 घंटे थोड़े से लगातार हो गए पढ़ाते हुए, तो आप सभी बच्चे से एक रिक्वेस्ट है कि आई नीड 10 मिनट्स ब्रेक, क्या मुझे 10 मिनट का ब्रेक मिल सकता है ताकि मैं चीजों को और बेहतर तरीके से और एनर्जेटिक वे में पढ़ाऊं। तो दूसरी क्लास जो है वो 12 PM पे शुरू करेंगे, दस मिनट का ब्रेक लेते हैं इस चीज में, ठीक है। तो 10 मिनट का ब्रेक है और 12 PM पे ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी,
ठीक है, और विटामिन से शुरू करेंगे। और जितने भी बच्चे यूपीपीईटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड जितने भी बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, जितने बच्चों का सीजीएल है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नहीं भूख नहीं, कई बार क्या होता है कुछ मिनट के लिए चुप रहना जरूरी होता है कि अगले 3 घंटे और पढ़ाना है। अभी तो आपकी मैराथन चल रही है बेटा, आप तो आज आपकी साइंस मैराथन चल रही है, ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है विश्वजीत जी, ठीक है। क्लियर है, हाँ। तो जिन बच्चों को है ना बालों की प्रॉब्लम है, मुंहासों की प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, तो ये सारी परेशानियां जो है ये आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। और ग्रुप डी के लिए तक साइंस कंप्लीट करवा देंगे विशाल जी, बिल्कुल करवा देंगे। जो भी अनाउंसमेंट है वो आपको राहुल सर बहुत जल्दी करेंगे। तो अब यहाँ पे प्लीज 10 मिनट का ब्रेक चाहिए, वरना 2 मिनट तो तुम मेरे यहीं पर खत्म कर दोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपको आना है 12 बजे, सही 12 बजे।
बच्चों कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? ठीक है, अभी सभी आ गए हैं? ठीक है, अभी सभी आ गए हैं? दो मिनट रह गए हैं ना। हाँ, तो बहुत सारे बच्चे आ गए। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा, इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी राहुल देशवाल सर के चैनल पे। ठीक है, जो सर का टेलीग्राम चैनल है, राहुल देशवाल सर का टेलीग्राम चैनल है, उस पर मिल जाएगी। और अभी हम जो आगे की क्लासेस है, जो नेक्स्ट क्लासेस है, ठीक है, जो आपकी आगे की क्लासेस है, वो हम लोग कंटिन्यू कहाँ करेंगे? आगे की क्लासेस जो हम कंटिन्यू करेंगे, वो करेंगे हम लोग अगले सैटरडे संडे को। तो अगले सैटरडे संडे में आपकी साइंस की एक और मैराथन स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, जिसको हम लोग बेसिक से फिजिक्स, बेसिक से केमिस्ट्री, बेसिक से आपका बायो रखेंगे। और हो सकता है कि शायद मैं आप लोगों के लिए वहाँ पे एमसीक्यू भी लेके आऊँ। ठीक है, तो शायद हो सकता है मैं एमसीक्यू भी लेके आऊँ और बहुत सारी चीज़ों को लेके आऊँ। तो आज की क्लास इतनी ही रहेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरी तबीयत बहुत कुछ बच्चे बोल भी रहे थे कि आपकी तबीयत खराब है, फिर आप यहाँ पढ़ा रहे हो, छुट्टी कर रखी है वहाँ पे। तो लिटरली क्या है कि इसकी 3 घंटे की क्लासेस रखिए और अब हम आपकी आँखों को ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जो मैंने आज पढ़ाया है वो पढ़ना है, उसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। बस अब आपको क्या करना है, अब आपको अच्छे से इस सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जिसको हम लोग अनाउंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। और मेरे कोर्स के बारे में, ठीक है, कंटिन्यू करो मैम, कोर्स बहुत ज़्यादा है, कंटिन्यू करेंगे रोहित, बीच में क्लासेस लेंगे, और जो मेरा कोर्स आएगा उसके बारे में भी आपको राहुल सर बता देंगे। तो दिल बहुत सारे बच्चों का खुश हो गया है, तो पढ़ते रहो, ठीक है, काम करते रहो। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। जय हिंद, जय भारत।